हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ऑडियोवर्स। मार्शल पीक चैप्टर 171 से 180। अगले कुछ दिनों में देवेश ने सी सिटी के भीतर के दृश्यों और संस्कृति का पता लगाया और अनुभव किया। प्राकृतिक स्वच्छ हवा के साथ साथ सुंदर समुद्री तट दिखाई देने के साथ यह स्थान सेवानिवृत्ति के लिए एक स्वर्ग था। चायघरों और शराब की दुकानों के अंदर देवेश ने सी सिटी के बारे में कई शानदार कहानियां सुनी। उनसे उत्सुक होकर वह अब अफवाह वाली मृगतृष्णा को भी ढूंढना चाहता था। ऐसे दिव्य वातावरण में देवेश हाई हेवन पवेलियन के बारे में लगभग भूल ही गए। इसके अलावा यहां संप्रदाय भी थे, एक या दो भी नहीं। यदि कोई महान हान राजवंश के भीतर सभी संप्रदायों को वर्गीकृत करता है और 8 महान परिवारों को शामिल करता है तो उच्च स्वर्ग मंडप को केवल दूसरे स्तर का संप्रदाय ही माना जा सकता है। इस बीच सी सिटी में संप्रदाय प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी के संप्रदायों के बीच भिन्न थे। यहां तक कि यहां के प्रथम श्रेणी के संप्रदायों की तुलना 8 महान परिवारों से की जा सकती है। हालांकि अंतर्देशीय संप्रदायों की तुलना में ये संप्रदाय भिन्न थे। उन्होंने तट से दूर बड़े द्वीपों पर कब्जा कर लिया और ज्यादातर खेती के संसाधन उन्हीं द्वीपों से प्राप्त किए जहां वे रहते थे। यह उल्लेख किया गया था कि संप्रदायों के उत्कृष्ट प्रतिभाशाली शिष्य, सुंदर मिट्टी और अद्भुत दृश्य ही शिष्यों को आकर्षित करते थे। यहां तक किसी सिटी में भी यहां के कुछ प्रभावशाली परिवारों को छोड़कर कुछ साधना शिष्य आते थे। वे संभवतः द्वीप संप्रदायों के वितरण से प्रभावित थे। वे जिन द्वीपों में रहते हैं उनमें सांसारिक ऊर्जा अंतर्देशीय ऊर्जा की तुलना में अधिक केंद्रित थी। इस प्रकार खेती की गति भी तेज थी। आमतौर पर द्वीप संप्रदायों के अधिक प्रतिभाशाली शिष्य कुछ दुर्लभ अवसरों को छोड़कर अपने संबंधित द्वीपों पर ही रहेंगे। वे कमजोर या गैर प्रतिभाशाली शिष्यों को सी सिटी भेज देते थे। उनमें से बहुत सारे नहीं थे। देवेश ने सी सिटी की समृद्धि तब देखी जब वह इसके किनारों पर टहलते हुए उतरते ज्वार को बड़े ही प्रेम से देखते थे। वह संवेदनशीलता का एक अंश महसूस कर सकता था जो स्वर्गीय ओल्ड मैन वू की कोड़े मारने की तकनीक के समान था। प्रत्येक शक्तिशाली लहर के उतार चढ़ाव और शक्तिशाली प्रहार उतार चढ़ाव के साथ देवेश एक बहुत ही सूक्ष्म और क्रमिक जागरूकता से जगमगा उठा। यह एक प्राकृतिक शक्ति थी जिसे लहरों की तरह जल्दी नहीं किया जा सकता था। चाबुक के वार तीव्र तरंगों में आते हैं और जब किसी कठिन चीज का सामना करना पड़ता है तो वे गिरते और बहते हैं, केवल आगे आकर एक बार फिर हमला करने के लिए पीछे हटते हैं। टकराती हुई लहरों को देखने के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके सामने कोई दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा हो। ऐसे अवसर की उपेक्षा करने के बारे में भी विचार न करते हुए वह शांति से खड़ा रहा, क्योंकि उसके दिमाग में एक चमत्कारी झटका लगा। मार्शल आर्ट के बारे में देवेश की अपनी व्यक्तिगत जागरूकता अब धीरे धीरे नए ज्ञान के साथ जुड़ रही थी जो ओल्ड मैन वू की व्हिपिंग तकनीक के समान थी। कितना समय बीत गया इस बात से बेखबर देवेश खड़े खड़े ही सो गया। समुद्री हवा की घरघराहट और पानी की तेज आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। जब देवेश ने आखिरकार फिर से अपनी आंखें खोली तो वह एक ऐसे व्यक्ति के रूप में सामने आया जिसे अभी अभी एक अवर्णनीय अनुभूति से गुजरना पड़ा। अपनी गति तकनीक को सक्रिय करते हुए देवेश का पूरा अस्तित्व धुएं में प्रकाश के एक कण की तरह चमकने लगा। वह सहजता से किनारे की ओर आ रही लहरों पर चढ़ गया और पानी की एक बूंद भी अपने ऊपर टिके बिना एक लहर से दूसरी लहर की ओर बढ़ता गया। ऐसा 15 बार और करने के बाद उसने अपनी युवान क्यूई को छोड़ दिया और पानी में गिरा दिया। भले ही वह अब भीग चुका था, फिर भी वह दीप्तिमान ढंग से मुस्कुरा रहा था। आती हुई लहर का सामना करने के लिए उसने घूमकर अपनी मुट्ठी भींच ली। जलते सूरज की तीन परतों वाला विस्फोट। चारों ओर की हवा तीन तेज गड़गड़ाहट जैसी गड़गड़ाहट के साथ फट गई, क्योंकि युआन क्यूई की तीन परतों से ढकी उसकी मुट्ठी लहर से टकरा गई, जिससे पानी के नीचे एक बड़ा वैक्यूम बन गया। इस बिंदु तक मार्शल आर्ट की जागरूकता जो उसने ओल्ड मैन वू और समुद्र की लहरों को देखने से प्राप्त की थी पूरी तरह से उसमें समाहित हो गई थी। इस परिवर्तन को आगे बर्निंग सन ब्लास्ट में लागू किया गया जिससे उसकी मुट्ठी पर मजबूत युआन क्यूई की तीन परतें बन गईं। इससे उसका प्रहार लहर की तरह हो गया जिससे उसके हमलों से बचाव की कठिनाई बढ़ गई। तेज दिमाग वाला बूढ़ा दानव इतना स्तब्ध था कि उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता था। कुछ दिन पहले वह पहले से ही देवेश की अपनी मूल मार्शल कौशल को समझने और बनाने की क्षमताओं से दंग रह गए थे। इतने कम समय में उन्होंने अपनी नींद में सुधार करते हुए इसकी गहरी समझ भी प्राप्त कर ली थी। हालांकि मुझे जीवित हुए काफी समय हो गया है, लेकिन यह दुनिया कितनी बदल गई है, बूढ़े दानव ने सोचा और उसका दिल बेचैन हो गया। समुद्र तट पर रेंगते हुए देवेश ने देखा कि गेहुए रंग की त्वचा और प्रभावशाली ढंग से उलझे बालों वाली एक छोटी सी लड़की उसे मूर्खतापूर्ण दृष्टि से देख रही थी। शक्ल सूरत से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह बच्ची शायद 7 से 8 साल की होगी। उसकी बड़ी चमकीली आंखें थीं और वह घरेलू कपड़े पहनती थी जिन पर स्पष्ट पैच सिल दिए गए थे। वह अपने नंगे पैरों के साथ रेत पर खड़ी थी और उसका छोटा सा मुंह खुलता और बंद होता था। चूंकि समुद्र के किनारे रहने वाले लोग सूर्य के संपर्क में आते हैं, इसलिए उनकी त्वचा का रंग आमतौर पर सफेद नहीं होगा। ऐसे में यह स्पष्ट था कि उसकी त्वचा स्वस्थ थी।
देवेश उस छोटी लड़की को देखकर मुस्कुराए, एक अच्छे व्यवहार वाले और सुसंस्कृत इंसान की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे, यह दर्शाते हुए कि वह एक हानिरहित प्राणी थे। जैसे ही वह सावधानी से उसकी ओर बढ़ा, उसने खुद को कोसा कि वह बहुत ज्यादा संवेदनशील हो गया और एक छोटी लड़की की उपस्थिति पर ध्यान नहीं दे सका। शायद उसने उसे डरा दिया था। यह जानकर कि वह डरी हुई है, देवेश ने चलना जारी रखते हुए खुद को सुखाने के लिए अपनी युवान क्यूई को नहीं घुमाया। वह छोटी लड़की के सामने रुका और बैठ गया। अपनी मंद मुस्कान के साथ सौम्य आवाज में उन्होंने पूछा, छोटी लड़की, तुम यहाँ क्या कर रही हो? छोटी लड़की ने उसकी ओर कई बार आंखें झपकाईं। उन मनमोहक पलकों के भीतर जरा सी भी अशुद्धता के बिना मासूमियत थी। देवेश को अपनी अंतरात्मा पर बोझ महसूस हुआ। एक आदमी जो बुरे कर्म करता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, यह लगभग तय था कि ऐसी जोड़ी आंखें उस आदमी को अपने ही अपराध बोध से भस्म कर देंगी। एक पल के लिए देवेश की ओर देखते हुए उसने धीरे से उसे कुछ देने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। देवेश की नज़र उसके हाथ की ओर गई तो उसे एक ग्रिल्ड मछली दिखी। क्या वह मेरे लिए है? देवेश ने पूछा। उसका हृदय गर्मजोशी से भर गया। छोटी लड़की ने धीरे से सिर हिलाया और भुनी हुई मछली को देवेश के हाथ में थमा दिया और तेजी से भाग गई और रेत पर केवल अपने प्यारे छोटे पैरों के निशान छोड़ दिए। जब वह दूर गायब होने वाली थी तो वह देवेश को अंतिम रूप से देखने के लिए पीछे मुड़ी, लेकिन इस बार वह अप्रत्याशित रूप से उसकी तरफ लौट आई और उसके कपड़ों को खींच लिया, दूरी की ओर इशारा करते हुए मानो उससे पूछ रहा हो, मेरे पीछे आओ। देवेश ने छोटी बच्ची का विरोध नहीं किया। उसने उसे आगे खींचा और वह उसके पीछे पीछे चला। हालांकि वह उसके इरादों के बारे में अनिश्चित था, लेकिन उसकी पवित्र और मनमोहक आंखों ने पहले ही उसके सामने उसकी बेगुनाही का पता लगा लिया था। कुछ दूर चलने के बाद वे एक कच्चे कमरे के सामने पहुंचे। छोटी लड़की ने अपना हाथ उठाकर कमरे की ओर इशारा किया और देवेश को अंदर आने का इशारा किया। क्या हम अंदर जा रहे हैं? देवेश ने पूछा। लड़की ने सिर हिलाया। हंसते हुए देवेश को ऐसा लगा जैसे वह अपने ही घर के दरवाजे से गुजर रहा हो, हालांकि वह यहां एक मेहमान से ज्यादा कुछ नहीं था। इससे पहले कि वह कमरे में अपना पहला कदम रख पाता, एक बूढ़ा आदमी अचानक सामने आ गया। इस बूढ़े व्यक्ति ने खुद को निर्दयी के रूप में प्रस्तुत किया, लेकिन उसका शरीर नाजुक था क्योंकि वह स्पष्ट रूप से लंगड़ाकर चल रहा था। देवेश की शक्ल देखकर बूढ़ा दंग रह गया। किसी भी गलतफहमी से बचने के लिए देवेश ने तुरंत अपना मुंह खोलकर पूछा, बड़े, क्या आप इस छोटी लड़की के परिवार के सदस्य हैं? बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया और छोटी लड़की को हाथ से इशारा किया, जो यू यहां आओ। छोटी लड़की ने अपना सिर हिलाया और देवेश के कपड़े खींचने का प्रयास किया, जिससे उसे बूढ़े व्यक्ति के करीब आने का संकेत मिला। बूढ़ा आदमी सामने वाले लड़के की ओर देखकर मधुर मुस्कुराया। छोटे भाई, अंदर आओ। जियो यू को डर है कि अगर तुम अब और बाहर रहोगे तो तुम जम कर मर जाओगे। अंदर आओ और अपने आप को सुखाओ। देवेश के कंधे झुक गए। यह अजीब है कि वह चाहती थी कि मैं यहां अकेले इसी कारण से आऊं। चूंकि वे मुझे पहले ही आमंत्रित कर चुके हैं, इसलिए अस्वीकार करना असभ्यता होगी। अपने आतिथ्य के लिए धन्यवाद। जियो यू के साथ घर में प्रवेश करते हुए देवेश ने कमरे का निरीक्षण किया, लेकिन उसका दिल दर्द से भर गया। यह परिवार गरीबी का नायाब उदाहरण था। एक बिस्तर और टूटी रुई से सनी रजाई के अलावा और कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। कुछ इस तरह नजदीक आते ही देवेश के मन से सी सिटी की समृद्धि का ख्याल ही खत्म हो गया। जब वह शहर में रह रहा था तो उसे ऐसे अमीर लोगों के बारे में पता चला जो जीवन के सबसे बड़े सुखों का स्वतंत्र रूप से आनंद ले सकते थे। उसी समय दोनों के लिए पीड़ा की खाई ने उसके सिर में खतरे की घंटी बजा दी। अपने कपड़े सुखाने के लिए जो यू जल्दी से आग जलाने की तैयारी में चला गया और देवेश को कोयले के गड्ढे के पास खड़ा होने के लिए बुलाया। जियो यू अग्निकुंड को प्रज्वलित करने में कामयाब रही, लेकिन घर के अंदर भी बाहर की समुद्री हवा अंदर घुस गई। हवा इतनी तेज थी कि कमरे के भीतर धूल उड़ गई और आग की चिंगारी निकली। जब भी हवा चलती तो बूढ़ा कई बार खांसता। देवेश और बूढ़ा आदमी कुर्सियों की कमी के बारे में चुप होकर जमीन पर बैठ गए। छोटे भाई, क्या आप किसान हैं? बूढ़े व्यक्ति ने जियो यू को अपनी गोद में रखा। आपके ऐसा सोचने की वजह क्या है? इस सवाल से देवेश सकते में आ गए। आखिरकार वह फिलहाल अपनी आभा को नियंत्रित कर रहा था। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री और उससे नीचे का कोई भी कृषक इसे नोटिस करने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यह निश्चित रूप से उन लोगों के अपवाद के साथ था जो आध्यात्मिक जागरूकता का अभ्यास करते थे, अमर असेंशन सीमा में साधक थे। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि यह बूढ़ा मछुआरा यह बताने में सक्षम है कि वह कृषक है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए अपनी सांसों में हंसता हुआ लग रहा था। छोटे भाई, आप कई दिनों से समुद्र तट पर खड़े हैं, यह कैसे संभव है कि एक औसत व्यक्ति ऐसा कुछ सह सकता है? कई दिनों से देवेश को एक पल के लिए अपना दिल सिकुड़ता हुआ महसूस हुआ। पिछली बार तो उसे टाइम पास का एहसास ही नहीं हो रहा था। एक बार फिर ऐसा ही हुआ, वह अपने परिवेश को महसूस करने में असमर्थ था।
उसे एहसास हुआ कि अगर उसे फिर से इतनी गहरी समझ में शामिल होना है तो उसे छिपने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढनी होगी ताकि कोई उस पर हमला करने का मौका न ले सके। जियो यू हर दिन आपका हालचाल लेने जाता था। यदि ऐसा नहीं होता तो क्या आपको लगता है कि यह बूढ़ा व्यक्ति आपको इस कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देने का साहस करेगा? मैं बुरा आदमी नहीं हूं, देवेश ने अजीब तरह से चेहरे पर मुस्कान लाते हुए आश्वस्त किया। जब वे बात कर रहे थे, जियो यू ने देवेश के हाथ में ग्रिल मछली को देखा और उसकी ओर इशारा किया। मम्मा, मैं खाता हूं। जियो यू वास्तव में चतुर है, देवेश ने मछली का एक कौर खा लिया। हालांकि यह पहले से ही ठंडा था, फिर भी यह काफी ताजा और कोमल था। देवेश ने स्वादिष्ट कहते हुए बार बार सिर हिलाया। जब तक उसने मछली की हड्डियों में से हर आखिरी मांस को चूसना समाप्त किया, तब तक उसके कपड़े सूख चुके थे। देवेश ने थोड़ा सोचा और झिझकते हुए पूछा, मिस्टर जियो यू बोल क्यों नहीं रहा है? मछुआरे का चेहरा तुरंत उदास हो गया और उसने धीरे से जियो यू के सिर पर हाथ फेरा। ऐसा नहीं है कि वह गूंगी है, लेकिन परिवार के साथ हुई एक निश्चित घटना के कारण वह अब बोलने को तैयार नहीं है। देवेश ने आह भरी। उसने अनुमान लगाया था कि जियो यू एक जन्मजात बीमारी के कारण गूंगा था। यदि ऐसा होता तो वह संभवतः उसके इलाज का कोई तरीका ढूंढ सकता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बोलने को तैयार नहीं होगी। अगर यह उसके दिल में कोई गांठ है तो उसे ठीक करने के लिए हमें उस गांठ को खोलना होगा, अन्यथा वह फिर कभी अपना मुंह नहीं खोलेगी। यह देखकर कि बूढ़ा व्यक्ति इस मामले पर आगे बात करने को तैयार नहीं था, देवेश ने अप्रिय यादों को सामने लाने से बचने के लिए पूछताछ करने से परहेज किया। ऐसा लगता है जैसे देर हो रही है। छोटे भाई, अगर आपके पास सोने के लिए जगह नहीं है तो आप रात के लिए रुक सकते हैं। बूढ़ा आदमी कांपते हुए उठ खड़ा हुआ और जियो यू ने झट से उसका समर्थन किया। अपने आतिथ्य के लिए धन्यवाद, देवेश ने खड़े होकर प्रणाम किया। चूंकि कमरा छोटा था और वहां केवल एक ही बिस्तर था जिसे बूढ़ा आदमी और जियो यू साझा करते थे, जिस पर देवेश फर्श पर सोता था। समुद्री हवा की तीव्र आंधियों ने उसे जगाए रखा। हाई हेवन पवेलियन में रहने के मेरे 3 वर्षों में मुझे काफी कठिनाई हुई, लेकिन क्या इन लोगों की तुलना में मेरे अनुभवों को कष्टकारी भी माना जा सकता है? भले ही बूढ़ा आदमी मछुआरा हो, क्या वह वास्तव में खाने और उन दोनों का भरण पोषण करने के लिए हर दिन मछली ला सकता है? आधी रात हुई और देवेश ने बाहर से कदमों की आहट सुनी, जिससे वह अचानक जाग गया। अपनी यात्रा से पहले देवेश ने आसपास रहने वाले अन्य लोगों के निशान तलाशे, लेकिन अभी केवल जोड़ा सो रहा था। इतनी रात में दूसरों को घूमते हुए सुनना पहले से ही आश्चर्यचकित करने वाला था, लेकिन इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह थी कि कदमों की आवाज से संकेत मिलता था कि आने वाले लोग किसान थे। धीमी रोशनी वाले कमरे में सोता हुआ बूढ़ा अचानक उठ बैठा। देवेश ने नजर दौड़ाई तो बूढ़े के चेहरे पर घबराहट और निराशा के भाव दिखे। बूढ़े आदमी, देवेश ने हाथ उठाकर रुकने का इशारा किया। चुप रहो, देवेश की भौहें तन गईं। वह नहीं जानता था कि बूढ़े व्यक्ति को किस बात का डर था, लेकिन वह जानता था कि इसका उन कल्टीवेटरों से कुछ लेना देना होगा जो जल्द ही आ रहे हैं। अनंतकाल तक चलने वाले इंतजार के बाद कदम रुक गए और जो रह गया वह घिसे पिटे दरवाजे से आने वाली चरमराहट और दस्तक थी। तेज अचानक धमाके के कारण जियो यू जाग गया। डर से कांपते हुए वह तुरंत अपने दादाजी से लिपटने के लिए लपकी। इस बीच देवेश का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बूढ़ी औरत, दरवाजा खोलो। दरवाजों के पीछे से एक आवाज गुस्से से चिल्लाई। क्या आप नहीं जानते कि मेहमानों के लिए दरवाजा खोलना बुनियादी शिष्टाचार है? एक दूसरी आवाज जोड़ी गई। बूढ़े आदमी ने अपनी पोती को अपने आलिंगन में सहारा दिया और उसके चेहरे पर गुस्सा और आक्रोश झलक रहा था। हालांकि वह अच्छी तरह जानता था कि वह शक्तिहीन है। अपनी बाहों में छोटी लड़की को सांत्वना देने के लिए अपना मुंह खोलते हुए वह नरम और धीमी आवाज में बुदबुदाया, जियो यू डरो मत, जियो यू डरो मत, तुम्हारे दादा यहां हैं, तुम्हारे दादा यहां हैं, डरो मत। दरवाजे के दूसरी ओर अग्रणी व्यक्ति स्पष्ट रूप से कोई धैर्यवान व्यक्ति नहीं था। यह महसूस करते हुए कि बूढ़े आदमी को दरवाजा खोलने की कोई इच्छा नहीं थी, उसने सीधे उसे लात मारकर नीचे गिरा दिया और बाहर की समुद्री हवा को कमरे में घुसने दिया, जिससे अंदर की गर्मी खत्म हो गई। तुम पुरानी बात हो, उनमें से एक पागल आदमी दौड़ता हुआ आया, तुम साहसी हो यह सोचने के लिए कि आप वास्तव में हमें बाहर निकालने का साहस कर रहे हैं। आइए देखें कि क्या मैं आपको चाकू मारने से रोक सकता हूं। आप यहां क्यों आए हैं? छुट्टी अपनी पोती की रक्षा करने वाला बूढ़ा व्यक्ति विरोध में चिल्लाया। उसके पिता और माता दोनों को आपने ले लिया है, क्या यह काफी नहीं है कि आप हम दोनों को यहां छोड़ गए हैं? आप हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ सकते? अरे अब बूढ़े आदमी, आप किस प्रकार का कच्चा कचरा उगल रहे हैं? हमने बस उन्हें भव्य जीवन का आनंद लेने के लिए मेहमानों के रूप में रेड क्लाउड द्वीप पर जाने के लिए आमंत्रित किया। अब जब उन्हें आपकी याद आती है तो उन्होंने विशेष रूप से हमें आपको अपने पास लाने के लिए कहा।
क्या आप नहीं चाहते कि आपका पूरा परिवार एक बार फिर से एकजुट हो जाए? वक्ता अपने चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट के साथ दरवाजे से अंदर आया। हालांकि जब उन्होंने देवेश को देखा तो वे सतर्कता से उस युवा को घूरने लगे। जब उन्हें देवेश के कृषक होने का कोई निशान नहीं मिला तो उन्होंने मान लिया कि वह एक औसत इंसान थे और उन्होंने लड़के को अकेला छोड़ दिया और खुद से पूछा, क्या इस परिवार में इतने सारे लोग थे? बूढ़ा आदमी चिल्लाने लगा, इस प्रकार का सौभाग्य कुछ ऐसा है जिसका हम सामान्य परिवार आनंद नहीं ले सकते। क्या आप दोनों इतने दयालु हो सकते हैं कि इस बच्चे के माता पिता को वापस ला सकें? वह उन्हें बहुत बहुत याद करती है। तुम पुरानी बात हो, आप बहुत ज्यादा सराहना नहीं कर रहे हैं, एक आदमी भौंका। जब तक आप रेड क्लाउड द्वीप पर हमारे पीछे आते रहेंगे, आप उनके साथ फिर से मिलेंगे। आप किस बारे में चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं? जब से ये दोनों कल्टीवेटर कमरे में आए, देवेश सुन रहा था और जानकारी जुटा रहा था। रेड क्लाउड द्वीप का स्वामित्व रेड क्लाउड संप्रदाय के पास था। यह संप्रदाय उच्च स्वर्ग मंडप में उल्लेख के लायक नहीं था क्योंकि यह एक तृतीय श्रेणी संप्रदाय था। देवेश उन्हें पकड़ने की आवश्यकता के पीछे के तर्क से अनभिज्ञ था। हालांकि बातचीत से उन्हें इतना तो समझ आ गया कि यहां ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। आमतौर पर देवेश कभी भी किसी के निजी व्यवसाय में ताकझांक नहीं करते थे। यहां तक कि जब उसने कोई एयर की मदद की तो वह सिर्फ उसकी देखभाल के लिए उसे चुकाना चाहता था। देवेश शांत नहीं बैठ सकता था क्योंकि उस दयालु लड़की और उसके दादा को धमकी मिलती थी, खासकर उस दयालुता के बाद जो उन्होंने उस पर दिखाई थी। उनके कार्यों ने देवेश को कृतज्ञता से भर दिया और शुद्ध और ईमानदार दयालु लड़की ज़ियोयू ने उसके दिल को छू लिया। हालांकि दोनों व्यक्ति क्यूई परिवर्तन चरण में थे, लेकिन उनमें लड़ने के कौशल की कमी थी। देवेश को भरोसा था कि वह उन्हें आसानी से हरा सकता है। हालांकि जिस क्षेत्र में वे वर्तमान में थे वह युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं था। इसके अलावा उनके पीछे एक संप्रदाय होने के कारण वह बूढ़े व्यक्ति और ज़ियोयू को और फंसाना नहीं चाहता था। उन्होंने निर्णय लिया कि उन्हें एक सुविचारित योजना बनाने की आवश्यकता है। मैं आप दोनों से उसके माता पिता को मुक्त करने की विनती करता हूँ, कृपया उन्हें फिर से एकजुट होने दें। बूढ़े व्यक्ति का भावनाओं से गला भर आया और वह बिस्तर के ऊपर घुटने टेक कर और बार बार झुककर सिसकने लगा। ओल्ड गीजर, आपके पास लोगों को पागल करने का एक उपहार है, रेड क्लाउड संप्रदाय के कृषकों ने हमला शुरू करने के लिए अपना पहला कदम उठाने की तैयारी करते हुए ताने देने के लिए अपना गंदा मुंह खोला। हालांकि इससे पहले कि कुछ होता, देवेश ने उन्हें टोक दिया। लड़का, तुम कौन हो? रेड क्लाउड सेक्ट के कल्टीवेटर ने दहाड़ लगाई, लेकिन यह एक ऐसा सवाल था जिसे उन्होंने पूछने से रोक दिया क्योंकि वे बूढ़े आदमी के साथ व्यस्त थे। देवेश चेहरे पर मुस्कान लाते हुए बोला, मैं उनका दूर का रिश्तेदार हूँ। दूर के रिश्तेदार? वक्ता ने संदेह भरी नजरों से देवेश की ओर देखा और उससे पूछताछ की, तो आपकी यात्रा का उद्देश्य क्या है? देवेश ने उत्तर दिया, बाहर मेरा व्यवसाय दिवालिया हो गया था, इसलिए मैंने यहां आश्रय मांगा। मैं संभवतः कल्पना भी नहीं कर सकता था कि मेरी माँ की बहन के पति की माँ की विवाहित बहन और उसके पति को रेड क्लाउड संप्रदाय ने ले लिया था। मैंने इतने लंबे समय तक रेड क्लाउड संप्रदाय की प्रशंसा की थी। मैंने हमेशा महसूस किया है कि संप्रदाय मेरी बुलाहट है, लेकिन मेरे पास इसमें शामिल होने का साधन नहीं था। अब मानो स्वर्ग ने मेरी इच्छा पूरी कर दी हो, तुम दोनों मुझे सौंप दिए गए। कृपया क्या आप दोनों इतने दयालु होंगे कि मुझे समायोजित कर सकें और रेड क्लाउड द्वीप तक ले जा सकें? देवेश का स्वर अत्यंत और असामान्य रूप से विनम्र था। वह थोड़ा घबराया हुआ भी लग रहा था, जिससे दोनों रेड क्लाउड सेट कल्टीवेटर हक्के बक्के रह गए, यह सोचने के लिए कि वास्तव में ऐसे लोग हैं जो द्वीप पर जाने के इच्छुक हैं। क्या यह लड़का बेवकूफ है या वह सिर्फ पागल है? दो लोगों ने अपनी आंखें झुका लीं और वे देवेश को संदेह से और चुपचाप देखते रहे। देवेश ने तुरंत खुद को शर्मिंदा करते हुए कहा, सर, मैं आज ही सी सिटी पहुंचा हूं और मेरे पास पैसे की कुछ कमी है, लेकिन निश्चिंत रहें, अगर मैं रेड क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने में कामयाब हो जाता हूं तो मैं निश्चित रूप से संप्रदाय के अपने साथी भाइयों के रूप में आप दोनों का एहसान चुकाऊंगा। क्या वह वास्तव में हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहा है? दो रेड क्लाउड सेक कल्टीवेटर्स ने असमंजस में एक दूसरे को देखा। वे निर्दोष लोगों का अपहरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने अनुभव से वे निश्चित थे कि देवेश केवल एक बेवकूफ था, यह देखते हुए कि उसकी प्रतिक्रिया उनके अन्य अपहरणकर्ताओं से कितनी अलग थी। लेकिन यदि वह आने को इच्छुक है तो वह शामिल होने के लिए सामान्य साधनों का उपयोग क्यों नहीं करता? आप इतनी स्वेच्छा से यह घोषणा क्यों करेंगे कि आप कहीं और से हैं? विदेशी क्षेत्रों के अजनबी वे लोग हैं जिनके साथ सी सिटी के लोग रहना पसंद करते हैं। देवेश ने उत्सुकता से उनकी ओर देखा, जबकि उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वे सामान्य लोगों के साथ क्या करते हैं, बूढ़े व्यक्ति और उसकी पोती को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। यदि हम बूढ़े आदमी और छोटी लड़की को लेने जा रहे हैं तो हम इस सक्षम युवा को भी क्यों नहीं लेते? दोनों लोगों ने देवेश को घूर कर देखा, वे अचानक हंसे और उसके कंधे थपथपाए, अच्छा अच्छा, आपके हृदय में पहले से ही लाल बादल संप्रदाय है।
हम इतने क्रूर कैसे हो सकते हैं कि आपको शामिल होने से रोक सकें? इसके अलावा, आप काफी युवा और तगड़े लगते हैं, काफी स्मार्ट तो क्या? यदि आप मार्शल आर्ट का अभ्यास करने का निर्णय लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से एक दुर्लभ प्रतिभा होंगे। भविष्य में जब आप तेजी से संप्रदाय के रास्ते पर चढ़े, तो सुनिश्चित करें कि आप हम दोनों द्वारा प्रदान किए गए उपकार को कभी न भूलें। मैं भूल नहीं सकता। मैं निश्चित रूप से नहीं भूलूंगा। उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और हंसे, जबकि दो रेड क्लाउड सेक्ट कल्टिवेटर्स ने देवेश की मूर्ख के रूप में आलोचना की। उधर देवेश उन दोनों को बेवकूफ समझता था। बूढ़ा आदमी और छोटी लड़की बिस्तर के ऊपर कांपते हुए उन्हें घूर रहे थे। काफी देर बाद देवेश ने अपनी हंसी रोकी और बोला, सर, क्या यह मुझे रेड क्लाउड संप्रदाय में लाने के लिए पर्याप्त है? यात्रा के लिए एक बूढ़े आदमी और छोटी लड़की को साथ लाना हमारे लिए बाधा बनेगा। स्वाभाविक रूप से यह मुद्दा देवेश के लिए सबसे अधिक दबाव वाला था। यदि वे उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होते, तो देवेश के पास अभी और यहीं उनका वध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। उस सारी बकवास के बाद जो उसने उन पर थूका, उसे यह प्रश्न पूछना पड़ा। बेशक देवेश ने अभिनय से पहले स्थिति के बारे में सोचा था। वह अच्छी तरह से जानते थे कि रेड क्लाउड संप्रदाय मानव श्रम के कारण खुद को बनाए रखने में सक्षम था। लिंग या उम्र की परवाह किए बिना जब तक वे मानव थे, वे योगदान दे सकते थे। अब जब उनके पास नया भर्तीकर्ता देवेश है, तो बूढ़े आदमी और छोटी लड़की को लेने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि यात्रा के दौरान उनकी जान चली गई, तो यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा। देवेश का तर्क सुनकर उनमें से एक सिर हिलाता है, मम, आप एक बात स्पष्ट करें। वह पुरानी चीज वैसे भी उन्हें उनके परिवार से मिलाने के हमारे दयालु इरादों को अस्वीकार करती रहती है। वह बूढ़ा है। मैं प्रार्थना करूंगा कि आप दोनों साथी भाई उसे माफ कर दें, देवेश मुस्कुराया। चूंकि आपने रेड क्लाउड संप्रदाय में शामिल होने का फैसला किया है, हम बहुत देर से वापस नहीं लौट सकते। हम अब प्रस्थान करेंगे। चूंकि दो रेड क्लाउड सेक्ट कल्टिवेटर्स ने अपना कार्य पूरा कर लिया था, वे अधीरता से छोटे और निराशाजनक कमरे को छोड़ना चाहते थे। क्या आप दोनों कृपया पहले जा सकते हैं? मुझे उन्हें अलविदा कहना है। बस जल्दी करो, दोनों कल्टिवेटर पूरी तरह से उसकी कहानी में शामिल हो गए और बाहर इंतजार करने लगे। एक बार जब वे चले गए, देवेश धीरे से बिस्तर के किनारे पर गया और कांपते बूढ़े आदमी और छोटी लड़की को देखा। बूढ़ा एक चतुर व्यक्ति था। कुछ समय पहले जब देवेश रेड क्लाउड सेक्ट कल्टिवेटर से बात कर रहे थे, तो उन्होंने आवाज निकालने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उन्हें डर था कि वे कुछ जानकारी दे देंगे। वह अभी भी डर से कांप रहा था जब उसने कहा, छोटे भाई, क्यों? रेड क्लाउड आइलैंड इंसानों के लिए जगह नहीं है। देवेश मंदमंद मुस्कुराया, बूढ़े साहब, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही इसके बारे में सोच लिया है। क्या तुम सचमुच भूल गए कि मैं भी एक कल्टीवेटर हूं? थोड़ी सी राहत महसूस होने पर बूढ़े की बुझी हुई आंखें चमक उठीं। देवेश ने अपना हाथ अपनी छाती की जेब में डाला और पैसे का एक थैला निकाला जो उसने पिछले दिन मृतक मार्शल आर्टिस्ट से इकट्ठा किया था। उसने इसे बूढ़े व्यक्ति की हथेलियों पर रख दिया और आग्रह किया, कल सुबह जल्दी जीओयू के साथ सी सिटी छोड़ दें। जितना संभव हो उतना दूर जाना सुनिश्चित करें। अपनी बात कहने के बाद देवेश ने जाने के लिए मुड़ने से पहले जीओयू के सिर को सहलाया। जब कदमों की आवाज धीरे धीरे गायब हो गई, तो कमरे में मौजूद बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ में रखा बैग खोला और कांपने लगा। 120। बूढ़े की आंखों से अनियंत्रित आंसू बहने लगे। उसने जीओयू को झुकने के लिए खींचा और उससे गहरा आग्रह किया, जीओयू, एक इंसान होने का मतलब है कि व्यक्ति को आभारी होना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आपने उस बड़े भाई के स्वरूप को अपने मन में अंकित कर लिया है। यदि आप भविष्य में कभी उनसे मिलें, भले ही आपको उनके सेवक के रूप में काम करना पड़े या उनके लिए मरना पड़े, आपको यह ऋण अवश्य चुकाना होगा। क्या तुम समझ रहे हो? जीओयू ने उत्साह से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर डर या उत्तेजना का कोई भाव नहीं था। इसके बजाय यह स्पष्ट रूप से शांत था। कमरे के बाहर देवेश दो रेड क्लाउड सेक्ट कल्टीवेटर के साथ चला गया। वह इन दोनों व्यक्तियों को मार डालने के अवसर की तलाश में था, लेकिन स्थिति उसकी अपेक्षा से अधिक खतरनाक थी। जाहिरा तौर पर रेड क्लाउड सेक्ट कल्टीवेटर्स को आज रात निकलना था। इसके अलावा पूरे समूह में कुल मिलाकर 20 लोग थे और एक ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर उनके नेता के रूप में कार्य कर रहा था। ऐसी परिस्थितियों में देवेश को संभवतः कोई मौका नहीं मिल सका। यह ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर झांग दिन के विपरीत था, जो उस समय घायल और कमजोर था जब देवेश ने उससे लड़ाई की थी। मामले के इस तरह बढ़ने से देवेश चौंके नहीं, चूंकि वे उसे केवल एक सामान्य इंसान ही समझते थे। जब तक वह पर्याप्त धैर्यवान है, उसे भागने का अवसर मिल जाएगा। एक बार जब वे तीन स्टीमशिप के सामने समुद्र के किनारे एकत्र हुए, तो दोनों कल्टीवेटरों ने देवेश पर कोई ध्यान नहीं दिया। सिक्के के उछाल की तरह उनका रवैया पूरी तरह से बदल गया था। अब वे कृपालु और अहंकारी हो गए थे, बार बार उपहास करते थे जैसे कि वे उसे ताना मार रहे हों। ऐसा लग रहा था मानो वे कह रहे हों, अरे मूर्ख,
तुम एक दुष्ट संप्रदाय में शामिल हो गए हो। बेशक देवेश को अब उनसे कोई परेशानी नहीं थी। समय बीतने के साथ अधिक से अधिक लोग स्टीमशिप के सामने एकत्र होने लगे। ऐसा लग रहा था कि प्रवाह कभी खत्म नहीं होगा। ये नागरिक थे, लोग या तो आंसू बहा रहे थे या गुस्से में कोस रहे थे। इस तरह के दृश्य के सामने रेड क्लाउड संप्रदाय के सदस्यों ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया, जैसे कि यह एक आम दृश्य था। यहां एकत्र हुए लोग दोनों लिंग के थे। उनमें से अधिकांश भिखारी थे, जबकि बाकी मछुआरे थे। हालांकि वहां एक भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं था जो धनी पृष्ठभूमि वाला प्रतीत हो। इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट था कि रेड क्लाउड संप्रदाय केवल गरीब लोगों को निशाना बना रहा था। चूंकि वे शक्तिहीन थे, इसलिए उनके विद्रोह के डर के बिना उन्हें धमकाना आसान था। जब भोर हुई तो बंदियों की कुल संख्या 30 हो गई। क्रू एलिमेंट कल्टीवेटर के आदेश के तहत कल्टीवेटर जहाज पर वापस आ गए। दिन खत्म होने से पहले स्टीमशिप ने अपने पाल लहराए और किनारे से चले गए। समुद्र में लहरें उठ रही थीं और हवा तेज चल रही थी, लेकिन भाप का जहाज दूर स्थित एक द्वीप की ओर लगातार बढ़ता रहा। 30 से अधिक लोग जो पूरी ताकत से रो रहे थे, विलाप कर रहे थे और गालियां दे रहे थे, धीरे धीरे चुप हो गए। ऐसा लगा मानो उन्होंने अपना गला तोड़ दिया हो। रेड क्लाउड संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने भी उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और उनका स्वागत करना तो दूर, उनकी अपेक्षाओं के विपरीत वे बंदियों को पीट भी नहीं रहे थे। ये मार्शल कलाकार बहुत ही विवेकशील थे। वे जानते थे कि जो लोग अपने माता पिता के लिए रो रहे थे, वे दुर्घटना से घायल होना तो दूर दर्द भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। देवेश देख के एक कोने में बैठ गया और उदासीन भाव से देखता रहा कि क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था मानो वह स्थिति से बिल्कुल अलग हो गया हो। वह बाकी बंदियों के विपरीत चुप था और उसने अपनी ओर कोई ध्यान आकर्षित नहीं किया। जब से वे रवाना हुए लगभग एक घंटा हो गया था और वेसी सिटी से लगभग 50 किलोमीटर दूर थे। देवेश जहाज पर ट्रू एलिमेंट सीमा विशेषज्ञ की स्थिति का विश्लेषण कर रहा था और विचार कर रहा था, अगर मैं अभी जहाज छोड़ दूं तो क्या मैं अपनी जान बचाकर भाग सकता हूं? अपनी क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज ताकत के कारण देवेश को डूबने से मरने की चिंता नहीं थी, उसके पास उसे रोकने के लिए पर्याप्त ताकत थी। देवेश को सबसे अधिक डर ट्रू एलिमेंट सीमा विशेषज्ञ की तलाश से था। जब वह चिंतित दृष्टि से झिझक रहा था, एक वरिष्ठ मछुआरे ने, जो पकड़ा गया था, देवेश को रोक लिया और इससे पहले कि वह अपना मन बना पाता, पानी में कूद गया। छप छप, समुद्र से एक हल्की सी आवाज आई। यह सुनकर पकड़े गए 30 से अधिक व्यक्ति भी आशा की किरण के कारण उत्साहित हो गए और जहाज छोड़कर वरिष्ठ मछुआरे के साथ भागने की इच्छा से जहाज के किनारे की ओर बढ़ गए। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इन रेड क्लाउड सेक्ट मार्शल आर्टिस्टों ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनकी ओर देखते हुए व्यंग्य किया। देवेश को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इन आम लोगों को पकड़ने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऊर्जा खर्च की, इसलिए वे उन्हें इतनी आसानी से भागने नहीं देंगे। अचानक पानी से एक उदास, तीखी और दयनीय चीख निकली। यह आवाज उस वरिष्ठ मछुआरे की थी जो अभी अभी जहाज छोड़कर आया था। यह आवाज सुनकर भागने की कोशिश कर रहे सभी लोग तेजी से जहाज के किनारे की ओर दौड़े और फिर बड़ी बड़ी आंखों से समुद्र की ओर देखने लगे। क्या क्या हुआ? हमारे नीचे राक्षस जानवर हैं। नीचे राक्षस जानवर हैं जो लोगों को खा जाएंगे। ये आम लोग डर से त्रस्त हो गए और जहाज छोड़ने की उनकी हिम्मत टूट गई। जहाज पर रेड क्लाउड संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने सभी को देखा और उपहास के साथ कहा, क्या आप जानना चाहते हैं कि वह चीज क्या थी? उनके उत्तर की प्रतीक्षा न करते हुए उसने बगल से एक ज्वाला निकाली और उसे समुद्र में फेंक दिया। रोशनी की मदद से कई लोगों ने समुद्र में जो देखा उससे बेडर गए। समुद्र खून की परत से ढक गया था। वरिष्ठ मछुआरा इस समय तक कई हिस्सों में बन चुका था। समुद्र के नीचे बहुत से भयंकर मछली वाले जानवर छिपे हुए थे जो उछलकूद कर स्टीमशिप का पीछा कर रहे थे और बड़े बड़े मछुआरे की लाश को बड़े बड़े घूंटों से खा रहे थे। यह जहाज छोड़ने वाले किसी भी व्यक्ति का भाग्य होगा, रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल कलाकार ने व्यंग्य के साथ कहा। ये नजारा देखकर कई लोगों को उल्टियां आ गईं। आखिरकार वे आम लोग थे जिन्होंने ऐसा घृणित रक्तपात कभी नहीं देखा था। देवेश को अचानक दिल में एहसास हुआ कि उसे जहाज छोड़कर भागने का विचार छोड़ना होगा। राक्षस जानवर जो समुद्र में जहाज का पीछा कर रहे थे, संभवतः रेड क्लाउड्स द्वीप द्वारा उठाए गए थे। पानी में ये राक्षस जानवर राजा थे और वह सिर्फ एक क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज मार्शल आर्टिस्ट था। उनसे बचने का कोई रास्ता ही नहीं था। हर कोई मेरी बात सुनो, रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल कलाकार ने ऊंची आवाज में कहा। फिर उसने अपनी तेज नजरों से पूरी भीड़ को चकमा दे दिया और आगे कहा, यदि तुम मरना नहीं चाहते तो आज्ञाकारी बनो और जहाज पर बने रहो। एक दो घंटे बाद हम रेड क्लाउड्स आइलैंड पहुंचेंगे। तुम यह न समझो कि हमने तुम्हें स्वतंत्र मजदूर समझ लिया है। यह मेरा रेड क्लाउड्स द्वीप आपको एक अवसर दे रहा है। द्वीप पर अनगिनत स्वादिष्ट व्यंजन हैं और यदि आपके पास इसे प्राप्त करने का कौशल है तो वे आपके हो सकते हैं। जब तक आपने मेरे लाल बादल संप्रदाय की परीक्षा पास कर ली है, आप उसी समय से शिष्य बन सकते हैं।
फिर आप आने वाले महीने में दूसरे बैच को मार्शल आर्टिस्ट बनने का अवसर देने के लिए आमंत्रित करने वाले व्यक्ति बन सकते हैं। लोगों ने अपना मुंह बंद रखा, जाहिर है कि उन्हें उसके द्वारा कहे गए शब्दों पर विश्वास नहीं हुआ। वे रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट को डांट नहीं सकते थे, इसलिए वे केवल चुप रह सकते थे। हालांकि एक बार जब यह मामला शांत हो गया, तो जो सामान्य व्यक्ति पकड़ा गया, उसने दोबारा शोर मचाने की हिम्मत नहीं की और भागने के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। जहाज के नीचे राक्षस जानवर थे जो इंसानों को खा जाते थे, तो फिर उनमें भागने की हिम्मत भी कैसे होगी। स्टीमशिप समुद्र में चलती रही। काफी समय बीत जाने के बाद देवेश ने एक व्यक्ति को यह कहते हुए सुना, अंततः घर लौट आया। हाँ, मैं बहुत थक गया हूँ। हमें हर महीने एक बार बाहर निकलना चाहिए। अगर ऐसी चीजें जारी रहीं, तो हम उन लोगों की तरह होंगे, युवा और सांस नहीं ले रहे हैं। लफी, मुझे लगता है कि वह शायद अपने संप्रदाय के बारे में बात कर रहा है। हमें अच्छी संख्या में सामान्य लोग मिले हैं। उन्हें कुछ समय के लिए हमारा समर्थन करने में सक्षम होना चाहिए। हमें शायद जल्द ही बाहर जाकर उन्हें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देवेश ने सामने की ओर देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों के सामने केवल एक धूमिल द्वीप की रूपरेखा दिखाई दी। यह द्वीप छोटा नहीं था, देवेश का अनुमान था कि द्वीप का क्षेत्रफल सी सिटी से लगभग 4 से 5 गुना अधिक था। लेकिन द्वीप ने जो एहसास दिया वह बहुत अजीब था। उसकी वर्तमान आंखें सामान्य से बाहर थीं, और जब उसने द्वीप को देखा तो बायां आधा हिस्सा दाएं आधे के समान नहीं था। दाहिना प्रायद्वीप धुंधली धुंध की एक परत से ढका हुआ था, जिससे इसे देखना काफी कठिन हो गया था। इसे रहस्यमय बना रहा है। जहाज की दिशा के अनुसार वह बाएं प्रायद्वीप की ओर जा रहा था। काफी देर के बाद जहाज की गति धीरे धीरे धीमी हो गई और आखिरकार किनारे पर आकर रुक गई। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्य ने रस्सी की सीढ़ी को डेक से नीचे उतारा, फिर हिलते हुए आम लोगों को आदेश दिया, उतर जाओ। हालांकि 30 से अधिक व्यक्ति घबरा गए थे, उन्होंने आदेश के अनुसार ही किया और स्टीमशिप से नीचे कूद गए और अंततः जमीन पर खड़े हो गए। जहाज के नीचे आदमखोर राक्षस जानवरों के डर से कई लोग गिर गए, क्योंकि उनके पैर जेली में बदल गए थे। जहाज पर कई मछुआरे थे, मछली पकड़ना उनकी आजीविका थी, लेकिन वे कभी इस प्रकार के राक्षस जानवर से नहीं टकराए थे। ट्रू एलिमेंट बाउंड्री विशेषज्ञ ने अपने दो शिष्यों से कहा, आप उस शांत को ले लीजिए। हाँ अंकल मास्टर, दोनों शिष्यों ने सम्मानपूर्वक संकलित किया। फिर दोनों ने देवेश को दोनों ओर से पकड़ लिया। आगे बढ़े, हम आपको पूर्णता से भरे जीवन में ले जाएंगे। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के दो शिष्यों ने इन आम लोगों को गले नहीं लगाया था। उन्होंने देवेश को पकड़ लिया और आम लोगों को उसके साथ ले गए। देवेश ने मासूमियत का परिचय दिया और मुस्कुराते हुए उनके साथ गए और पूछा, वरिष्ठ प्रशिक्षु भाइयों, हम संप्रदाय में कब प्रवेश करेंगे? उनमें से एक ने देवेश को व्यंग्य से डांटा, तुम्हारा प्रशिक्षु भाई कौन है? दूसरे ने भी अपना धैर्य खो दिया, लेकिन फिर भी धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, इतना चिंतित मत हो, क्या तुमने जहाज पर नहीं सुना? जब तक आप मेरे लाल बादल संप्रदाय की परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम हैं, आप खुद को एक शिष्य के रूप में सूचीबद्ध करने में सक्षम होंगे और फिर आपको संप्रदाय में प्रवेश दिया जाएगा और आप मार्शल आर्ट की खेती करने में सक्षम होंगे। तो यह परीक्षण किस बारे में है? देवेश ने फिर पूछा। परीक्षण करो, अरे यह एक बहुत ही सरल परीक्षण है, आपको केवल कुछ चुनना है। अब और मत पूछो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। उस व्यक्ति ने सोचा कि देवेश को धोखा देना आसान है, इसलिए उसने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा, अगर तुम अच्छे हो तो हमारे पास हमेशा साथी प्रशिक्षु बनने का अवसर है। छोटे भाई, आप अभी अभी रेड क्लाउड्स द्वीप पर आए हैं, इसलिए आपको अभी इसके बारे में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। आप परीक्षण होने तक हर दिन सभी स्वादिष्ट व्यंजन खा सकते हैं और जब परीक्षण का समय आएगा तो स्वाभाविक रूप से कोई आपको सूचित करेगा। देवेश ने सिर हिलाया, क्योंकि वह आगे पूछताछ करने में असमर्थ था, वह केवल आगे की पूछताछ ही छोड़ सकता था। हालांकि रेड क्लाउड्स द्वीप वास्तव में खेती के लिए एक अच्छी जगह थी। यहां विश्व ऊर्जा उच्च स्वर्ग मंडप की तुलना में अधिक समृद्ध थी। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि संप्रदायों ने द्वीपों पर अपने स्कूल स्थापित करने की कोशिश की, क्योंकि द्वीप खेती के लिए अच्छे स्थान थे। इस बिंदु ने उन्हें भूमि आधारित संप्रदायों से श्रेष्ठ बना दिया। इसके अलावा यह द्वीप कई दुर्लभ खजानों से भरा हुआ था, ऐसी चीजें जो जमीन पर नहीं देखी जा सकती थीं। शायद रेड क्लाउड्स आइलैंड के खूबसूरत नजारे देखने के बाद कैद हुए आम लोगों का मूड भी स्थिर हो गया। आसपास का नजारा देखते हुए वे आगे बढ़ गए। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के दो शिष्यों में से एक अनुस्मारक देता है, द्वीप पर हर जगह मत भागो, द्वीप पर नरभक्षी राक्षस जानवर भी हैं। यदि तुम पूरे द्वीप में भागोगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। अगर आम लोगों को बताया जाए कि द्वीप पर राक्षस जानवर हैं तो इसका ज्यादा असर नहीं होगा, लेकिन अगर उन्हें बताया जाए कि द्वीप पर आदमखोर राक्षस जानवर हैं तो भले ही यह सिर्फ एक झांसा ही क्यों न हो, वांछित परिणाम उत्पन्न करें। और यह वास्तव में प्रभावी था। उसे यह कहते हुए सुनने के बाद कई लोग चुप हो गए और उन्हें अचानक स्टीमशिप पर वरिष्ठ मछुआरे के भाग्य की याद आ गई, जिससे वे अभी अभी उतरे थे।
उन्होंने एक विशिष्ट पथ का अनुसरण किया जो लगभग एक घंटे तक चलने के बाद उन्हें उनके अंतिम गंतव्य तक ले गया। गंतव्य पर उनकी सहायता के लिए रेड क्लाउड्स संप्रदाय के अन्य शिष्य भी मौजूद थे। विशाल प्रांगण में 30 से अधिक आम लोगों को देखकर वे हल्की मुस्कान के साथ बोले, दो प्रशिक्षु भाइयों ने कड़ी मेहनत की, इस बार आपकी फसल काफी अच्छी हुई। इस बार हमें कई महीनों पहले की तुलना में अधिक लोग मिले। मैं उन्हें प्रबंधन के लिए प्रशिक्षु भाई को सौंप दूंगा। प्रशिक्षु भाई, आराम महसूस करो। कुछ और बात करने के बाद रेड क्लाउड्स संप्रदाय के दो शिष्य चले गए। उनके चले जाने के बाद रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्य, जो उनकी सहायता के लिए जिम्मेदार था, ने हाथ हिलाया और कहा, आप सभी मेरे साथ आओ। आंगन में प्रवेश करने के बाद देवेश ने चारों ओर देखा और पाया कि बाढ़ ने कुछ किलोमीटर के क्षेत्र को घेर लिया था। कई छोटे घर एकल अधिभोग के लिए बनाए और डिजाइन किए गए थे। 30 से अधिक लोगों को इन छोटे घरों में व्यवस्थित किया गया था। देवेश भी अकेला रहता था। घर की चीजें आलीशान तो नहीं कही जा सकती, लेकिन कम से कम वे उसकी बुनियादी जरूरतें तो पूरी करती थीं। वहां एक बिस्तर था जिस पर एक चादर बिछी हुई थी जिसे आसानी से मोड़ा जा सकता था। अब से तुम इसी स्थान पर रहोगे। आपको कुछ भी प्रबंध करने की आवश्यकता नहीं है और बिना कुछ किए भी आपको प्रतिदिन 3 बार भोजन दिया जाएगा जिसे कोई अपने साथ लाएगा। अब से आपका एकमात्र कर्तव्य यह है कि जब तक आपका पेट न भर जाए तब तक भोजन करें, अच्छी नींद लें और अपने रंग में सुधार करें जब तक कि मेरा रेड क्लाउड्स संप्रदाय आपको परीक्षा न दे दे, रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्य ने सभी से कहा। यह शब्द सुनकर देवेश को अचानक वध के लिए सुअर पालने वाली कहावत याद आ गई। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि रेड क्लाउड्स संप्रदाय ने इतने सारे आम लोगों को अपने जीवन का आनंद लेने के लिए पकड़ लिया। यह वास्तव में सुअर पालने जैसा लग रहा था। उन्हें भरपेट खाने और रात को अच्छी नींद लेने की इजाजत देने से कोई भी व्यक्ति केवल सुस्त हो जाएगा और दुश्मन से मिलने पर किसी को केवल उसके ब्लेड के नीचे मारा जा सकता है। रेड क्लाउड्स संप्रदाय क्या करना चाहता है? देवेश को वास्तव में नुकसान महसूस हुआ। हालांकि देवेश के पास अब भागने का कोई साधन नहीं था। आखिरकार यही उनका संप्रदाय था और यह एक अलग द्वीप पर स्थित था। वह तभी बच सकता था जब उसे किसी तरह स्टीमशिप मिल जाए, लेकिन क्या वह जहाज मॉन्स्टर बीस्ट के हमले का विरोध कर सकता था? समय आने पर निपट लेंगे, देवेश ने बोझ अपने दिल पर रख दिया, बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और साधना शुरू कर दी। दूसरे दिन सचमुच कोई स्वादिष्ट व्यंजन लेकर आया। यह भोजन केवल अमीर लोग ही खा सकते थे। ध्यान से जांच की गई तो खाने से हल्की सी औषधीय खुशबू आ रही थी, इसलिए इसमें कोई दवा मिलाई गई होगी। देवेश ने तुरंत खाना शुरू नहीं किया बल्कि दूसरों के खत्म होने का इंतजार किया और जब देखा कि सब ठीक है तो उसने अपनी चॉपस्टिक उठाई और खाना शुरू कर दिया। खाना खाने के बाद जहां आम लोगों को तरोताजा महसूस हुआ, वहीं देवेश को भी बेहतर महसूस हुआ। हालांकि इन भोजनों में मौजूद औषधियां महत्वपूर्ण नहीं थीं, लेकिन यह शरीर की जीवन शक्ति को रिचार्ज करने के लिए अच्छा था। इस प्रकार का भोजन खाने के बाद न केवल कृषक बल्कि औसत व्यक्ति भी दीर्घ जीवन जी सकते हैं। ऐसे ही कई दिन बीत गए। जो लोग पकड़े गए उनके पास फिलहाल कोई शिकायत नहीं थी। वे अब पूरी तरह से विश्वास करते थे कि रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्यों ने कहा था कि उन्हें एक खुशहाल जीवन का आनंद लेने के लिए यहां लाया गया था। ये वे लोग थे जो बहुत गरीब थे और उनके साथ पूरी जिंदगी कभी भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया था। इतने सारे व्यंजनों का आनंद लेने के बाद वे अपने घर और कर्तव्य के बारे में सोचकर बहुत खुश हो गए। हालांकि दवा मिश्रित इन खाद्य पदार्थों के अलावा लोगों को हर दिन एक घास का तरल पदार्थ पीना चाहिए। यह पेय बहुत कड़वा था और शरीर के लिए वैसे ही फायदेमंद था और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। दिन पर दिन बीतते गए और इन बेचारों का शरीर पहले की तुलना में अधिक मजबूत होने लगा। उनका मन प्रसन्न हो गया क्योंकि वे बिना किसी चिंता के खा सके और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि वे स्वर्ग में हैं। और वे क्या कर सकते थे, इसकी कोई अधिक सीमा नहीं थी। आंगन न छोड़ने के अलावा वे अपनी इच्छानुसार उसके चारों ओर घूम सकते थे। हमें अपने काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित प्रूफरीड करने में सहायता के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता है। यदि आपकी रुचि हो तो कृपया मुझे पर ईमेल करें। धन्यवाद। अंततः देवेश एक दिनचर्या में शामिल हो गए। वह द्वीप पर स्थिति की जांच करने के लिए रात में कई बार बिना पता लगाए निकल गया। उसके आंगन की रखवाली करने वाले मार्शल कलाकार केवल क्यूई परिवर्तन चरण में थे और वे उसके निशान की खोज करने में असमर्थ थे। कई बार इधर उधर खोजने के बाद देवेश को पता चला कि परिधि में उसी तरह के आंगन थे जिनमें वह रहता था और उनमें आम लोग भी रहते थे जो उसके जत्थे से पहले पकड़े गए थे। हालांकि उन प्रांगणों में आम लोग अलग थे। वे दुबले पतले दिखते थे और उनका रंग पीला पड़ गया था, मानो वे मुरझा रहे हों। भले ही उन्होंने स्वस्थ होने के लिए समान स्वादिष्ट भोजन खाया और घास का तरल पदार्थ पिया, लेकिन यह उनकी जीवन शक्ति को बहाल करने के लिए पर्याप्त नहीं था। बूढ़े दानव को भी इन लोगों से आने वाली एक असामान्य आभा महसूस हुई। उनके शरीर में थोड़ी मात्रा में दानव क्यूई थी।
यह दानव क्यूई खेती का परिणाम नहीं था, लेकिन यह ऐसा था जैसे इसने उनके शरीर पर आक्रमण किया था क्योंकि वे या तो लापरवाह थे या अनजान थे। यह दुष्ट दानव क्यूई उनके जीवन को नष्ट कर रहा था। यह सारी जानकारी प्राप्त करने के बाद देवेश ने अनुमान नहीं लगाया कि रेड क्लाउड्स संप्रदाय उनसे क्या चाहता है, लेकिन वह अपने वास्तविक लक्ष्य को सटीक रूप से इंगित करने में सक्षम नहीं थे। रेड क्लाउड्स संप्रदाय द्वारा कब्जा किए जाने के आधे महीने बाद देवेश और आम लोगों की खाने और सोने की दिनचर्या में एक और दिनचर्या जोड़ दी गई। वह सम्मानपूर्वक सुनना और विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में अध्ययन करना था जो रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्यों द्वारा सिखाई जा रही थीं। सभी को एक पुस्तिका दी गई और इसमें विभिन्न प्रकार के दुर्लभ खजाने और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का पूरा विवरण था। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्यों ने उन्हें प्रतिदिन लगभग एक घंटे तक निर्देश दिया। देवेश ने प्रतिदिन मन लगाकर अध्ययन किया। आखिर इस प्रकार के ज्ञान का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। ये कक्षाएं आधे महीने तक चलती रहीं। देवेश को रेड क्लाउड्स संप्रदाय में आए अब एक महीना हो गया था। इस महीने के दौरान वह गुप्त रूप से साधना कर रहा था और क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज की दूसरी सीमा पर सफलतापूर्वक पहुंचकर एक सफलता हासिल की। उन्होंने किसी भी औषधीय गोलियों का उपयोग नहीं किया और केवल वर्ल्ड क्यूई को अवशोषित करके सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त की। इस प्रकार की उपलब्धि ने साबित कर दिया कि द्वीप पर विश्व ऊर्जा कितनी समृद्ध थी। यदि स्थिति अद्भुत न होती तो देवेश को यहां अभ्यास करके बहुत खुशी होती। एक महीने के बाद एक सुबह उनके आंगन की रखवाली के लिए जिम्मेदार शिष्य ने सभी को बुलाया। कत्लेआम शुरू, देवेश ने मन ही मन सोचा। देवेश सुरागों से अनुमान लगा सकता है और पहले से पूछताछ कर सकता है कि रेड क्लाउड्स संप्रदाय चाहता था कि ये आम लोग स्पिरिट दवाएं इकट्ठा करने के लिए किसी खतरनाक जगह पर जाएं। स्कूल के छात्र उस खतरनाक जगह पर कदम रखने को तैयार नहीं थे। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के शिष्य की अस्वाभाविक रूप से प्रसन्न आवाज सुनाई दी। आपको रेड क्लाउड्स संप्रदाय में आए हुए एक महीना हो गया है और हर कोई बहुत मजबूत दिखता है। यह मेरे संप्रदाय की ओर से आपके लिए एक उपहार है। हालांकि इस दुनिया में कोई मुफ्त दोपहर का भोजन नहीं है। अगर आप ऐसे आरामदायक दिन जारी रखना चाहते हैं तो आपको मेरे रेड क्लाउड्स संप्रदाय के लिए काम करना होगा और अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। यह भी एक परीक्षा है। जब तक तुम उत्तीर्ण हो सकते हो, तुम यहीं लौट सकते हो और अपना अनियंत्रित जीवन जारी रख सकते हो। लोगों का समूह भ्रमित हो गया और एक दूसरे की ओर देखने लगा। अब मेरे पीछे आओ, उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा और लोगों के इस समूह का नेतृत्व करने लगे। वे उसी रास्ते पर चले जिस रास्ते पर चलकर वे लाल बादल संप्रदाय में प्रवेश कर सके, और उसी रास्ते पर एक घंटे तक चलने के बाद वे समुद्र के किनारे पहुंचे और एक भाप जहाज उनका इंतजार कर रहा था। देवेश ने पाया कि उस जहाज पर बहुत सारे लोग इकट्ठे थे। उसके सामने के लोग वही थे जिन्हें उसने रात में घूमते समय देखा था। ये लोग जहाज पर उपड़ू बैठे थे और बहुत से लोग पीले रंग के कांप रहे थे। जब 30 से अधिक लोग भी जहाज पर चढ़े तो जहाज पर लगभग 100 आम लोग एकत्र थे। जो आम लोग चढ़े थे उन्होंने सबसे पहले देवेश और अन्य लोगों की ओर देखा। वहां आंखों में अकथनीय अभिव्यक्तियां थीं। ये नवागंतुक अपनी याद दिला रहे थे जब वे पहली बार जहाज पर चढ़े थे। क्या हर कोई यहां है? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने, जिसने ट्रू एलिमेंट बाउंड्री हासिल कर ली है, पूछा। हर कोई आ गया है। समुद्री यात्रा आरंभ करना, उस व्यक्ति ने अपने बड़े बड़े हाथ लहराए और स्टीमशिप धीरे धीरे चलने लगी। इसी समय घबराई हुई आवाज आई, मैं नहीं जाना चाहता, मैं उस शापित जगह पर नहीं जाना चाहता। प्लीज मुझे जाने दो, मैं वहां नहीं जाना चाहता। दयनीय चीख के साथ यह कहते हुए वह खड़ा हुआ और लड़खड़ाते हुए रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट की ओर बढ़ा। उसका रंग लाल था और दोनों आंखें भी पागलपन के भाव से लाल लाल हो गई थीं। जब वह रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल कलाकार के सामने पहुंचा तो उसने अपना मुंह चौड़ा किया और चिल्लाते हुए उसकी ओर काटा, तुम मुझे मरना चाहते हो, मैं तुम्हें पहले मरवाऊंगा। इस व्यक्ति का दिमाग दानव क्यूई ने निगल लिया है, वह पागल हो गया है, बूढ़े दानव की आवाज प्रसारित की गई। बोल्ड ऐसा लग रहा था कि यह पहली बार नहीं था कि रेड क्लाउड्स सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट के साथ ऐसा कुछ हुआ था। यह दृश्य देखने के बाद उसने बिना देर किए अपनी कमर से कृपाण निकाली और उस व्यक्ति की छाती में छेद कर दिया, फिर एक लात मारकर उसे स्टीमर से नीचे फेंक दिया। जहाज के नीचे से राक्षस जानवरों द्वारा उस व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े करने की आवाज आई। वह आवाज सुनकर सबके हृदय ठंडे पड़ गए। उस सामान्य व्यक्ति को मारने के बाद रेड क्लाउड सेक्ट मार्शल आर्टिस्ट ने जहाज पर मौजूद लोगों पर एक उदासीन नजर डाली और उदासीन स्वर में कहा, जो कोई भी इसी तरह का व्यवहार करेगा उसे मछली का भोजन बनने के लिए जहाज से बाहर फेंक दिया जाएगा। उसका शरीर एक जानलेवा आभा से भर रहा था। जैसे ही उसने अपनी शक्तिशाली नजर हर किसी पर डाली, किसी को भी हिलने या एक दूसरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। जहाज तुरंत बेहद शांत हो गया। स्टीमशिप का अंतिम गंतव्य कोई दूर का स्थान नहीं था, बल्कि द्वीप का दाहिना प्रायद्वीपीय भाग था जो कोहरे में छिपा हुआ था। एक बड़े घेरे में घूमने के बाद स्टीमर अंतः किनारे पर आ गया। जब देवेश जहाज पर थे तो उन्हें समझ आ गया कि उन्हें किस तरह की ड्यूटी सौंपी जाने वाली है।
उन्हें ब्लैक प्रोफाउंड फ्रूट नाम की कोई चीज चुनने की जरूरत थी और देवेश को इस फल के बारे में पता था। रेड क्लाउड्स द्वीप पर पहुंचने के बाद महीने के दूसरे भाग में उन्होंने रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्य का स्पष्टीकरण सुना था। उन्हें जो पुस्तिका प्रदान की गई थी उसके पहले पृष्ठ पर काले रंग के फल का चित्र था जो आमतौर पर गुच्छों पर अंगूर की तरह उगते थे। यह रेड क्लाउड्स द्वीप की विशेषता थी और निकटवर्ती समुद्री क्षेत्र में यह केवल रेड क्लाउड्स द्वीप द्वारा ही प्रदान किया जाता था। जब शिष्य उन्हें इस काले गहरे फल के बारे में समझा रहा था तो वह इसके बारे में बहुत सावधानी से बता रहा था। उस समय देवेश को समझ नहीं आया कि वह इस फल के बारे में इतना गहन क्यों सोच रहा था, लेकिन अब आखिरकार उसे समझ आ गया। रेड क्लाउड्स संप्रदाय आम लोगों को पकड़कर यहां ले आया। वहां सबसे बड़ा लक्ष्य इस रहस्यमय काले फल को इकट्ठा करना था। चिकित्सा सिद्धांत के अनुसार यह फल उच्च श्रेणी की स्पिरिट दवा नहीं थी, यह अधिक से अधिक सामान्य ग्रेड था। इसलिए वह समझ नहीं पाया कि रेड क्लाउड्स संप्रदाय उन्हें क्यों चाहता है। सभी को एक औषधीय टोकरी दी गई और कार्य को पूरा करने के लिए सभी को कम से कम 1.5 किलोग्राम ब्लैक प्रोफाउंड फल चुनना था। स्वाभाविक रूप से यदि आप अन्य बहुमूल्य सामग्री एकत्र कर सकें तो मूल्य के अनुसार उसे संतुलित किया जा सकता है। यही कारण था कि रेड क्लाउड्स संप्रदाय ने इन आम लोगों को हर्बल ज्ञान के बारे में सिखाया, इस डर से कि वे एक दुर्लभ स्पिरिट दवा से टकरा गए, लेकिन इस पर ध्यान देने में असफल रहे। 100 से अधिक लोग स्टीमशिप से बाहर निकल आए, लेकिन रेड क्लाउड्स संप्रदाय के लोग जहाज पर स्थिर खड़े रहे। ऐसा प्रतीत होता था कि दाहिना प्रायद्वीप उनके लिए एक निषिद्ध क्षेत्र था जहां कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। तभी ट्रू एलिमेंट बाउंड्री एक्सपर्ट ने कहा, आपके पास 3 दिन का समय है, 3 दिन बाद हम आपको लेने आएंगे। यदि आप कार्य पूरा करने में असमर्थ हैं तो आपको वापस लौटने की आवश्यकता नहीं है और आप द्वीप पर जीवन को अपनी तरह चलने दे सकते हैं। चल डर। स्टीमर जहाज चला गया और 100 से अधिक आम लोगों ने जहाज को जाते हुए उदास भाव से देखा। देवेश और उसके साथ पकड़े गए 30 से अधिक लोगों को भी स्थिति स्पष्ट करने का मौका नहीं मिला क्योंकि वे पहली बार यहां आए थे। कुछ देर उसी जगह खड़े रहने के बाद कई लोग बिना कुछ बोले अपनी अपनी टोकरियां उठाते हुए अंदर की ओर बढ़ने लगे। धीरे धीरे उनकी आबादी कम होने लगी। देवेश ने किनारे पर खड़े होकर उनकी ओर देखा और अंततः एक आह भरी। वहां कई राक्षस जानवर समुद्र के नीचे घूम रहे थे जिससे बचना असंभव था। घूमकर देवेश भी दाहिने प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। युवा मास्टर, इस जगह का दानव क्यूई बहुत अमीर है, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्य आने की हिम्मत नहीं करते, बूढ़े दानव की आवाज प्रसारित हुई। यदि इस दानव क्यूई को थोड़ा सा सांस के माध्यम से अंदर ले लिया जाता तो संभावना थी कि यह शरीर को अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचाता, और यदि लंबे समय तक सांस ली जाए तो इस बात की बड़ी संभावना थी कि दानव क्यूई शरीर और दिमाग पर आक्रमण करेगा और व्यक्ति आकाश से गिर जाएगा और शैतान बन जाएगा। तो इस कारण से रेड क्लाउड्स संप्रदाय को आम लोगों को पकड़ने और उन्हें स्पिरिट दवा इकट्ठा करने के लिए सही प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवेश कराने की आवश्यकता थी, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए इस उम्मीद में 1 महीने का समय बिताया कि वे कुछ और दिनों तक साथ दे सकेंगे, क्योंकि अगर वे उन्हें तुरंत प्रवेश करने देंगे तो वे थोड़ी देर के बाद ही पागल हो जाएंगे। क्या दानव क्यूई आपकी पसंद का नहीं है? देवेश ने उसे चिढ़ाया, लेकिन उसकी स्थिति के बारे में सोचना शुरू नहीं किया था। हे, यह वैसा ही है जैसा यंग मास्टर कहते हैं, बूढ़े दानव ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा। जी, यहाँ पुराने नौकर के साथ युवा मालिक को इस दानव क्यूई से प्रभावित होने के बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्यूई यहाँ भी मौजूद है। युवा गुरु, हमारे पास अभी समय है, हम इस द्वीप का भी पता लगा सकते हैं, शायद हम कुछ अच्छा कर सकें। मैं भी यही सोच रहा था, देवेश ने सिर हिलाया। पकड़े जाने के बाद उसे अलग थलग रहते हुए लगभग 1 महीना हो गया था। हालांकि उन्होंने देवेश को बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें परोसी थीं, लेकिन उसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। वह अपनी पीठ पर दवा की टोकरी लेकर दाहिने प्रायद्वीप की गहराई में चला गया। किसी भी चीज का बाहर मौजूद रहना असंभव था, भले ही रहस्यमय काले फल बार बार तोड़ने के बाद तेजी से बढ़ते हों, उनका उपयोग अवश्य किया गया होगा। एकमात्र संभावना उन्हें द्वीप के आंतरिक भाग में ढूंढना था। कई लोगों का विचार देवेश जैसा ही था, लेकिन वे हमेशा समूहों में यात्रा करते थे, किसी के लिए अकेले अन्वेषण करना दुर्लभ था। जैसे जैसे समय बीतता गया धीरे धीरे कम लोग दिखाई देने लगे, जब तक कि उसके आसपास कोई नहीं था। जब देवेश अकेला चल रहा था तो अचानक उसे पता चला कि सामने एक व्यक्ति की परछाई है जो बहुत तेजी से उसी दिशा की ओर बढ़ रही है जहां उसने एक बेल पर आम अंगूर का फल लटका हुआ देखा। रहस्यमय काला फल। देवेश की आंखें चौड़ी हो गई, उसने भी अपने कदम तेज कर दिए। दूसरा व्यक्ति भी ब्लैक प्रोफाउंड फ्रूट की दिशा में भाग रहा था, इसलिए जो भी पहले पहुंचता वह उसे प्राप्त कर लेता। फलों की डोरी के बारे में और सोचने पर पता चला कि वह लगभग 250 ग्राम थी, दूसरे शब्दों में उसे केवल 6 और खोजने की जरूरत थी, तब कर्तव्य समाप्त होगा। देवेश के अचानक सामने आने से दूसरा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसने उसे घृणा भरी दृष्टि से देखा और धीमी आवाज में कहा, लड़के मुझे वह फल दो। देवेश की भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं।
यह व्यक्ति भी एक नेक दिल गरीब आम आदमी था, लेकिन इस जगह से आने और जाने के बाद उसके शरीर पर दानव क्यूई का प्रभाव पड़ा और वह धीरे धीरे अपना प्राकृतिक स्वभाव खो बैठा। अब वह कटु और पागल हो गया था। यदि देवेश ने उसे मिस्टेरियस ब्लैक फ्रूट की वह माला नहीं दी तो वह वास्तव में इसके लिए जान दे देगा। मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ, यदि देवेश को कुछ चीजों के बारे में पूछताछ नहीं करनी होती तो वह किसी आम आदमी से कभी कुछ नहीं छीनता। इसे मुझे जल्दी से दे दो, उस व्यक्ति ने अपना सिर नीचे कर लिया और देवेश की ओर बुरी दृष्टि से देखा। मैं बस एक बात पूछना चाहता हूँ, लाल बादल संप्रदाय फल के साथ क्या करता है, देवेश ने उस व्यक्ति से पूछा। चूंकि वह पहली बार अंदर नहीं आया था इसलिए उसे इस बारे में कुछ समझना चाहिए। बकवास मत करो, पहले मुझे फल दो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। देवेश मुस्कुराया और काले गहरे फल की डोरी उसकी ओर फेंक दी। उस व्यक्ति ने फल लिया, फिर मुस्कुराया, उसे अपनी पीठ पर रखी दवा की टोकरी में रख लिया। देवेश को ऊपर से नीचे तक देखा और धीरे धीरे उसकी आंखों का तेज गायब हो गया। एक पल झिझकने के बाद उसने कहा, मुझे नहीं पता सभी विवरण, लेकिन केवल मैंने किसी को यह कहते हुए सुना कि उन्हें मछलियों को खिलाने के लिए इसकी आवश्यकता है। मछलियों को खिलाने के लिए? उन्हें कुछ विशेष मछलियां, मैं विवरण के बारे में स्पष्ट नहीं हूँ। यह बताने के बाद उस व्यक्ति ने देवेश की ओर एक असामान्य छिपे हुए बुरे इरादे से देखा, फिर कहा, तुम लड़के काफी पतले हो, मेरे साथ यात्रा कर सकते हो, तुम क्या सोचते हो, आखिरकार यहाँ एक खतरनाक जगह है, वह क्यों चाहता है कि मैं भी उसके साथ आऊं। देवेश ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, वह जानता था कि अगर वह इस व्यक्ति के साथ यात्रा करेगा तो उसे पहले उनकी जरूरत पूरी करनी होगी, और वह है सबसे पहले उनकी जरूरत को पूरा करने के लिए अपने सभी रहस्यमय काले फलों का समर्पण करना। इतना अप्रशंसनीय, उन्होंने देवेश पर अपने साथ आने के लिए दबाव नहीं डाला। उसके चेहरे पर मौजूद मानवीय भावनाएं धीरे धीरे गायब हो गईं और एक ठंडी खर्राटे के साथ वह चला गया। बूढ़ा दानव जो इतने समय से चुप था अचानक उत्साहित होकर बोला, युवा गुरु, यह चोटी शायद इस स्थान पर दानव क्यूई के लिए जिम्मेदार है, क्या आपको यकीन है? देवेश भी आश्चर्यचकित था, उसे भी लगा कि यहाँ की डेमन क्यूई वास्तव में अन्य स्थानों की तुलना में अधिक घनी है। सहज रूप में इस बूढ़े नौकर की अमर आत्मा कांप उठी है। क्या आप डरते हैं? देवेश ने संदेह से पूछा। यह सुनकर बूढ़ा दानव अपनी खौफनाक हंसी हंसता है, यह डर नहीं बल्कि उत्साह है। युवा मास्टर, यह वैसा ही है जैसे आप बहुत देर से भूखे हों और आपके सामने स्वादिष्ट खाना रखा हो तो आप क्या करेंगे? बेशक खाओ। युवा स्वामी, यह पुराना नौकर आपसे आग्रहपूर्वक निवेदन करता है कि आप उसे यह अवसर दें, देवेश ने ओल्ड डेमन को अपनी लार निगलते हुए भी अस्पष्ट रूप से सुना। देवेश ने फीकी मुस्कान दिखाई और उस खड़े पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ गया। देवेश उस कारण के बारे में भी बहुत उत्सुक था जिसने रेड क्लाउड्स द्वीप के दाहिने आधे हिस्से को इतना अलग बना दिया। ऊपर चढ़ते समय देवेश ने भी किसी दुर्लभ खजाने की आशा में इधर उधर देखा, लेकिन ऊपर पहुंचने के बाद भी उसे कुछ पता नहीं चल पाया। उसे थोड़ी निराशा हुई। शिखर पर पहुंचने के बाद देवेश सीधा खड़ा हो गया और चारों ओर ध्यान से देखा। यह पर्वत शिखर बड़ा विचित्र था। दूर से देखने पर यह जगह बिल्कुल चिकनी बंजर जमीन जैसी लगती थी, लेकिन कुछ देर खड़े होकर देखने पर ऐसा लगा जैसे यह उससे कहीं ज्यादा है। वहां थोड़ी सी भी घास मौजूद नहीं थी और जमीन खून से लाल थी और हवा में तीखी गंध लटक रही थी। एक बुरी आभा उसके चेहरे को सहलाने लगती थी। देवेश ने एक गहरी सांस ली और उसकी नज़र पहाड़ की चोटी के बीच में एक विशाल चट्टान पर टिक गई। वह चट्टान चमकीले लाल रंग की थी और उस पर रक्त का वाष्पीकरण स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता था। यह एक धुंध की तरह था जो किसी के भी अंदर घुस सकता था। कुछ सावधानी के साथ वह धीरे धीरे चट्टान की ओर चला जब तक कि वह उसे छूने के करीब नहीं आ गया, लेकिन फिर भी उसे इससे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ। ध्यान से देखने पर उसे केवल एक विशाल पत्थर दिखाई दिया जो दर्पण के समान चिकना था, जिसमें चमकदार लाल तरल की कई बूंदें थीं जो मोटी थीं और ताजे खून की तरह दिख रही थीं। जमता रक्त मोती। ओल्ड डेमन ने अपनी प्रशंसा व्यक्त की, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति में बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया। जाहिर है उन्होंने ये बात बहुत हल्के ढंग से कही, लेकिन देवेश ओल्ड डेमन को जानता था। हालांकि उनका एक साथ समय कम था, लेकिन वह जानता था कि ओल्ड डेमन के मानक बहुत ऊंचे थे, इसलिए कोई भी चीज जो उसे प्रशंसा से भर दे वह निश्चित रूप से बहुत अच्छी चीज थी। युवा स्वामी, यह बूढ़ा नौकर अंतः समझ गया, बूढ़े दानव ने आगे कहा, यहाँ एक युवा शैतान की मृत्यु हो गई, इसीलिए इस जगह पर इतनी अधिक दानव क्यूई है। एक युवा शैतान? इस बूढ़े नौकर की तुलना में वह वास्तव में एक युवा शैतान है, लेकिन यहाँ के मार्शल कलाकारों के मानकों के अनुसार उसे बहुत शक्तिशाली होना चाहिए था, बूढ़े दानव ने आत्मसंतुष्ट भाव से कहा। कितना शक्तिशाली? देवेश ने उत्सुकता से पूछा। वह दैवीय आंदोलन सीमा से अधिक ऊंची सीमा पर रहा होगा, ओल्ड डेमन ने इस तरह से समझाया कि देवेश समझ सके। देवेश ने अपना माथा रगड़ा। वह वर्तमान में क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज पर था, फिर पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा है, उसके बाद ट्रू एलिमेंट सीमा है और फिर दिव्य आंदोलन सीमा है। यह युवा शैतान,
कृपा से यह युवा शैतान दिव्य गति सीमा को पार कर गया था और उससे भी ऊंची सीमा तक पहुंच गया था, तो इस दुनिया में उसका प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता था? वह पहला अंडर हेवेन पावरहाउस रहा होगा और इसी स्थान पर उनकी अप्रत्याशित मृत्यु हो गई। यद्यपि इस युवा शैतान का नश्वर शरीर नष्ट हो गया, लेकिन उसका दानव क्यूई अभी भी इस स्थान पर बना हुआ है और इसने इस दाहिने प्रायद्वीप को इतना अजीब बना दिया। और यदि यह पुराना नौकर इस दानव क्यूई को अवशोषित कर सकता है, तो मुझे अपनी कुछ अमर आत्मा शक्ति को बहाल करने में सक्षम होना चाहिए। लेकिन यह अफसोस की बात है कि यह युवा शैतान इतने लंबे समय के लिए मर गया और उसने बहुत सारी क्यूई बर्बाद कर दी। क्या वह इस बूढ़े आदमी के आने और फिर मरने का इंतजार नहीं कर सकता था? बूढ़े दानव को युवा शैतान के बारे में बात करते हुए सुनकर देवेश उछल पड़ा। वह रक्त जमा करने वाला मन का जिसे आपने पहचाना, वह क्या करता है? देवेश ने सामने लाल तरल पदार्थ को देखकर पूछा। वह युवा शैतान का मांस और रक्त सार है जो जम गया है। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा है। इस बूढ़े नौकर के पास इसे आत्मसात करने के लिए नश्वर शरीर नहीं है। युवा स्वामी, यदि आपने इसे आत्मसात कर लिया तो यह आपकी ताकत को महत्वपूर्ण बढ़ावा दे सकता है, लेकिन यह बूढ़ा नौकर नहीं जानता कि आप इसका सामना कर पाएंगे या नहीं। इसमें जो ऊर्जा है उसे एक औसत व्यक्ति द्वारा अवशोषित नहीं किया जा सकता है। हमें अपने काम को गुणवत्तापूर्ण ढंग से संपादित प्रूफरीड करने में सहायता के लिए और अधिक लोगों की आवश्यकता है। यदि आपकी रुचि हो तो कृपया मुझे पर ईमेल करें। धन्यवाद। देवेश दाहिने प्रायद्वीप क्षेत्र की ओर चल दिया। वह जितना अधिक चलता गया उतना ही अधिक गहराई तक जाता जाता। इस दाहिने प्रायद्वीप में प्रवेश करने के बाद एक दिन पहले ही बीत चुका था और रास्ते में उसे कई काले गहरे फल मिले, लेकिन देवेश कार्य पूरा करके लाल बादल संप्रदाय की मदद नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने उन्हें अनदेखा कर दिया। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल कलाकार द्वारा दी गई 3 दिन की समय सीमा वह सीमा होनी चाहिए जिसे आम लोग पागल होने से पहले सहन कर सकें। लेकिन देवेश अलग था क्योंकि उसे ओल्ड डेमन की सहायता प्राप्त थी और उसे अपने शरीर में डेमन क्यूई के प्रवेश की चिंता नहीं थी। और ओल्ड डेमन को खुद को पुनर्स्थापित करने के लिए इस डेमन क्यूई की आवश्यकता थी, इसलिए उसने डेमन क्यूई का एक टुकड़ा भी नहीं छोड़ा जो उसके शरीर में प्रवेश कर गया। देवेश ने पहले इस दाहिने प्रायद्वीप का पता लगाने का निर्णय लिया। वह इस जगह के छिपे रहस्य को जानना चाहता था और फिर रेड क्लाउड्स द्वीप छोड़ने का रास्ता खोजना चाहता था। दाहिना प्रायद्वीप काफी बड़ा था। इसमें कई पहाड़ थे जो बहुत ऊंचे नहीं थे, लेकिन बहुत खड़ी ढलान वाले थे और आम लोग उन पर चढ़ने में असमर्थ थे। देवेश की मंजिल यही पहाड़ थे। उसे विश्वास था कि उनमें कोई दुर्लभ खजाना अवश्य मिल सकता है। जब देवेश कदम दर कदम चल रहा था, अचानक एक ताज़ा औषधीय खुशबू ने उसकी इंद्रियों पर हमला कर दिया। इस खुशबू को सूंघने पर उन्हें तुरंत तरोताज़ा, शांत, स्पष्ट दिमाग वाला और आरामदायक महसूस हुआ। इस औषधीय सुगंध की उत्पत्ति की सावधानीपूर्वक खोज करने के बाद देवेश दाईं ओर मुड़ गए। थोड़ी देर बाद उसके सामने लगभग आधी ऊंचाई का एक फूल दिखाई दिया। यह फूल ऊपर से गुलाबी रंग का था और इसकी स्त्री केसर खिली हुई थी तथा फूल से निकलने वाली सुगंध भी मनभावन थी। यदि कोई इस फूल की सावधानीपूर्वक जांच करे तो उसे पता चलेगा कि यह एक खूबसूरत महिला का चेहरा प्रतीत होता है जो उनकी ओर मुस्कुरा रही थी। इसके अलावा इस फूल का तना भी थोड़ा अजीब था। यह बिल्कुल एक महिला की कमर की तरह था जिस पर बेहतरीन नक्काशी की गई थी। एक खूबसूरत औरत स्त्री केसर। देवेश यह देखकर उत्साहित हो गया। उसने सोचा नहीं था कि एक दिन बाद ही उसे इतनी अच्छी चीज मिल जाएगी। रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्य ने जो पुस्तिका वितरित की थी उसके अनुसार यह ब्यूटीफुल वुमन पिस्टल एक उच्च पृथ्वी ग्रेड स्पिरिट दवा थी। जब विशिष्ट स्पिरिट दवाओं के साथ प्रयोग किया जाता है और गोलियों में परिष्कृत किया जाता है तो महिलाओं द्वारा सेवन करने पर वे कुछ निश्चित लाभ देते हैं। भले ही यह एक बदसूरत महिला को सुंदरता में बदलने में असमर्थ हो, लेकिन कम से कम यह त्वचा को चिकनी और ताज़ा बना सकता है। देवेश स्वाभाविक रूप से असभ्य था। उसने ब्यूटीफुल वुमन पिस्टल उठाया और अपनी पीठ पर रखी दवा की टोकरी में रख लिया। इसके बाद उन्होंने पूरी तरह से खोजबीन जारी रखी। शायद देवेश इस क्षेत्र में कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे क्योंकि वह बार बार ब्यूटीफुल वुमन पिस्टल को ढूंढने में सफल रहे थे। रेड क्लाउड द्वीप का दाहिना भाग एक खजाना था। रेड क्लाउड्स संप्रदाय के मार्शल कलाकारों ने दानव क्यूई के कारण घुसने की हिम्मत नहीं की और औसत लोगों के पास आंतरिक द्वीप की पूरी तरह से खोज करने का साधन नहीं था, इसलिए यहां सब कुछ देवेश के लिए था। पहाड़ों में खोजते समय देवेश की पीठ पर दवा की टोकरी धीरे धीरे स्पिरिट जड़ी बूटियों और स्पिरिट फलों से भर रही थी। संप्रदाय के लिए इससे भी अधिक दयनीय बात यह थी कि दाहिना प्रायद्वीप छोटा नहीं था, लेकिन देवेश की खोज से कुछ भी छिप नहीं पा रहा था। देवेश ने पूरे क्षेत्र में दौड़ते समय प्रत्येक स्थान पर कम से कम 3 से 5 बार खोज की। उसकी टोकरी स्पिरिट जड़ी बूटियों से भरी हुई थी और सबसे घटिया स्पिरिट जड़ी बूटी भी लो अर्थ ग्रेड स्पिरिट जड़ी बूटी थी। वहां हेवन ग्रेड स्पिरिट जड़ी बूटियां भी मौजूद थीं। अगर ये चीजें बेची गईं तो आसानी से लाखों की चांदी मिल सकती है। इसके अलावा इस जगह पर ब्लैक वाइंड माउंटेन जितना खतरा नहीं था
जहां राक्षस जानवर लगातार घूमते रहते थे और एक कमजोर व्यक्ति केवल इन राक्षस जानवरों का भोजन बन जाता था। देवेश कई स्थानों पर घूमता रहा और केवल दो या तीन भेड़ियों से ही उसका सामना हुआ। तीसरे दिन रेड क्लाउड्स संप्रदाय का स्टीमशिप वापस आ गया। देवेश ने पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर यह देखा। जो लोग अपनी आजीविका कमाने में सक्षम थे उनकी संख्या केवल 60 से 70 के आसपास थी। दूसरों के दिमाग को राक्षस क्यूई ने निगल लिया होगा, जिससे वे पागल हो गए और अंततः इस दाहिने प्रायद्वीप पर मर गए। चौथे दिन देवेश एक पहाड़ की तलहटी में खड़ा था। यह पर्वत लगभग 3000 फीट ऊंचा था। यह खोजा जाने वाला आखिरी पर्वत था। देवेश ने लगभग संपूर्ण प्रायद्वीप का अन्वेषण कर लिया था। यह सुनकर देवेश थोड़ा झिझक और अनिश्चित हो गया। अपनी ताकत को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देना देवेश की इच्छा थी, लेकिन क्या वह इस जमते रक्तकण का सामना कर सकता है? देवेश को यह बात बताने के बाद ओल्ड डेमन ने मुस्कुराते हुए कहा, युवा मास्टर, आपको शैतान बन जाना चाहिए। यह इतनी बुरी बात नहीं है। अगर आपको कोई पसंद नहीं है तो उसे मार डालो। अगर आपको कोई खूबसूरत औरत पसंद है तो आप उसे छीन सकते हो और उसके साथ जी भर कर खेल सकते हो, और अगर आप बोर हो जाओ तो उसे छोड़ भी सकते हो। आप बहुत सारी चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप स्वतंत्र और बेलगाम हो जाते हैं, और क्या इंसान और क्या शैतान? एक औसत आदमी केवल यह जानता है कि मनुष्य के दो विभाग होते हैं, और वह है इंसान और शैतान, लेकिन यह एक बड़ी गलती है। जब तक मनुष्य अनैतिक है तो क्या वह शैतान नहीं बन सकता? युवा गुरु, आपने रेड क्लाउड्स संप्रदाय की प्रक्रिया देखी है। यह एक हृदयहीन और बेशर्म प्रक्रिया है, लेकिन आम लोगों की नज़र में यह संप्रदाय राक्षसों से भरा है। वे राक्षस हैं, अंततः ओल्ड डेमन का समापन हुआ। देवेश का हृदय द्रवित हो गया, लेकिन वह अभी भी निर्णय नहीं ले पा रहा था। जब देवेश अपने मन में झिझक रहा था, तभी तेज हवा की आवाज प्रसारित हुई और ओल्ड डेमन ने चेतावनी दी, युवा गुरु सावधान। देवेश ने सहज भाव से अपनी घरेलू तकनीक का प्रदर्शन किया और वहां से हट गया। वह जिस स्थान पर खड़ा था वहां से एक धमाका हुआ। ऊपर देखते हुए देवेश को बड़ा झटका लगा। एक विशाल लाल रंग का अजगर कहीं से प्रकट हो गया था। वह उसके शरीर जितना मोटा और कई फुट लंबा था और अपने शरीर के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ बैठा था, और उसका सिर देवेश की ओर मुड़ा हुआ था। उसकी आंखें खून से लथपथ थीं और उसके विशाल मुंह ने एक आत्मा का मोती निगल लिया था। उसका रूप और भी भयानक हो गया था। बूढ़ा दानव अजीब ढंग से चिल्लाया, उस बड़े सांप ने अप्रत्याशित रूप से रक्तकण को निगल लिया है। बूढ़े दानव को बताने की जरूरत नहीं है, देवेश ने भी देखा। तो कोई आश्चर्य नहीं कि उस पत्थर में कॉन्जीलिंग ब्लड बीड़ की केवल 3 बूंदें थीं। इसे इस सस्ते सांप ने अवशोषित कर लिया था। बाहर आओ, देवेश ने अपना हाथ उछाला और ओल्ड डेमन सोल ब्रेकिंग अवल के साथ बाहर आया और देवेश के सामने आ गया। देवेश ने तुरंत ओल्ड डेमन और सोल ब्रेकिंग अवल दोनों को बड़े सांप की ओर फेंक दिया। युवा मास्टर, बूढ़े दानव ने दयनीयता से पुकारा, इस कार्रवाई से पूरी तरह से स्तब्ध। उसके पास नश्वर शरीर नहीं था तो वह इतने बड़े सांप का क्या कर सकता था। लेकिन उस पल उसे देवेश की हरकत समझ में आ गई। हालांकि उसे अन्याय महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वह देवेश की प्रशंसा करता था। वह बड़ा सा सांप क्षण भर के लिए भ्रमित हो गया और देवेश झपकते हुए उसके सामने आ गया। वह इतने कम समय में ऐसी योजना के बारे में सोचने में सक्षम था, यह वास्तव में प्रभावशाली था। नागिन चतुर्थी सोल ब्रेकिंग सुआ उसके पेट के अंदर था, जिसे वह महसूस नहीं कर पा रहा था, लेकिन देवेश की हरकत से वह क्रोधित हो गया था। मनके को निगलने के बाद उसने अपनी जीभ अंदर बाहर करते हुए भयावह भाव से देवेश की ओर देखा और वज्रपात की तरह उसकी ओर बढ़ा। बड़े जबड़े खुले हुए थे जो किसी को भी डराने में सक्षम थे। बदबू आ रही थी और उनमें विष था। देवेश ने अपनी सांस रोकी, सांप को चकमा दिया और फिर उसके पीछे चला गया और सीधे अपनी असली यांग युआन क्यूई को अपनी मुट्ठी पर केंद्रित किया और चिल्लाया, जलता सूरज 3 परत विस्फोट। उसकी मुट्ठी में एक भयंकर युआन क्यूई थी, और हमला करने के बाद देवेश बड़े सांप की लंबी कुंडलित पूंछ से बचते हुए झिलमिलाहट के साथ आगे बढ़ा। बड़ा सांप हमला करने की इच्छा से इधर उधर हो गया, लेकिन जिस स्थान पर देवेश ने एक क्षण पहले हमला किया था वहां एक धीमी थपकी की आवाज आई और मांस धीरे धीरे फट गया और खून बहने लगा। उसके शरीर में जलती हुई ट्रू यांग युआन क्यूई फूट पड़ी, जिससे उसकी त्वचा पर एक घाव बन गया और उस स्थान से खून की धार बह निकली। बड़े सांप ने अपना दर्द दबा लिया और अपने कई फुट लंबे शरीर को चाबुक की तरह घुमाया, जिससे पहाड़ की चोटी पर धूल के बादल हिल गए। देवेश ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। वह समझ गया कि उसने इस बड़े सांप की ताकत का अनुमान ज्यादा लगा लिया है। जब उसने एक पल पहले अचानक इतने बड़े आदमी को देखा तो उसने सोचा कि यह कम से कम 5वें क्षेत्र का राक्षस जानवर होना चाहिए, और यह नहीं सोचा था कि उसका हमला इसे घायल करने में सक्षम होगा। यह 5वां या 6ठा क्षेत्र नहीं था, इसे अधिक से अधिक 4थे क्षेत्र का राक्षस जानवर माना जा सकता था, जो एक पृथक्करण और पुनर्मिलन सीमा मार्शल कलाकार के बराबर था। वह बहुत बड़ा था और उसका रूप इतना डरावना था। देवेश का आत्मविश्वास बढ़ गया। वह जहां था वहीं खड़ा हो गया और सांप को रास्ता दे दिया, जो उसकी ओर लड़खड़ा रहा था।
बड़ा सांप और भी भयंकर रूप से लौटने लगा। यह स्पष्टतः अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में बैठना नहीं चाहता था। सांप ने फुफकारते हुए देवेश की ओर जोर से झपटा मारकर अपनी लंबी पूंछ खोल दी। यदि उनकी मूवमेंट तकनीक उनकी मदद नहीं करती तो शायद यह स्ट्राइक देवेश के लिए एक छोटी सी समस्या पैदा कर देती, लेकिन इसके साथ ही ऐसे हमले से बचना बहुत आसान था। अपना आक्रमण विफल होता देख बड़े सांप ने फुफकारना शुरू कर दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और खून के रंग का गाढ़ा धुंध उगल दिया। अगर देवेश ने तुरंत उसे चकमा नहीं दिया होता तो वह सिर से पैर तक उसमें समा जाता। देवेश गंभीर हो गया। उसे इस बड़े सांप से डर नहीं लगा, लेकिन उसने जो जहर उगला उससे थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन यह केवल एक छोटी सी परेशानी थी, और अगर वह इस जहरीली धुंध से बचने में सक्षम था तो यह सांप उसे घायल करने में बिल्कुल भी असमर्थ था। जब देवेश बाहर सांप से लड़ रहा था तो अंदर ओल्ड डेमन के साथ मौजूद सोल ब्रेकिंग अवल आदर्श स्थिति में नहीं था। हालांकि ओल्ड डेमन फिलहाल अपनी पूरी ताकत नहीं दिखा सका, लेकिन कोई भी जीवित प्राणी अंदर से कमजोर था। और भले ही सोल ब्रेकिंग अवल कोई तेज हथियार नहीं था, फिर भी यह एक हथियार था। बड़े सांप का शरीर क्षतिग्रस्त हो गया और दर्द के कारण वह देवेश से लड़ने में असमर्थ हो गया। बड़े सांप का लंबा शरीर हरकतों की एक श्रृंखला प्रदर्शित करने लगा, कभी कभी हिलने डुलने और झटके खाने के साथ साथ आगे पीछे लुढ़कने और यहां तक कि उछलने भी लगा। देवेश ने इसे ध्यान से देखा और दोबारा उस पर हमला करने की कोशिश नहीं की। बड़ा सांप ताकतवर नहीं था, लेकिन उसमें अत्यधिक जीवन शक्ति थी। आधे घंटे के बाद, जिसमें बूढ़ा दानव अपने शरीर के अंदर अनियंत्रित रूप से घूम रहा था, अंततः उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और जमीन पर चुपचाप मर गया। बड़े सांप के पेट पर रेंगने की गति देखी जा सकती थी, और बूढ़ा दानव, जो सोल ब्रेकिंग अवल से बंधा हुआ था, अपना रास्ता खोदकर देवेश के सामने तैरने लगा। वे दोनों अवाक होकर एक दूसरे की ओर देखने लगे। युवा स्वामी, अगर अगली बार होगा तो कृपया इस पुराने नौकर को पहले से सूचित करें। इस पुराने नौकर को अपना दिल तैयार करने की जरूरत है, बूढ़े दानव ने थोड़ा आरोप लगाते हुए कहा। देवेश ने उसे अचानक राक्षस जानवर के मुंह में फेंक दिया था। भले ही वह साहसी था, फिर भी इसने उसे अपनी बुद्धि से भयभीत कर दिया था। उन्हें देवेश ने गंभीरता से सिर हिलाया। बूढ़े दानव ने अब और कहने की हिम्मत नहीं की। देवेश ने पूछा, क्या आपको नहीं लगता कि यह राक्षस जानवर काफी असामान्य था? यह कहां असामान्य था, बूढ़े दानव ने उत्सुकता से पूछा। इसकी ताकत बहुत थी, कम से कम जो मैंने सोचा था उससे कम, बूढ़े दानव ने मुस्कुराते हुए कहा। युवा गुरु, इस बड़े सांप ने जमाव वाले रक्त मनके को निगल लिया था, जिससे यह स्वाभाविक रूप से रूपांतरित हो गया। इसमें कोई वास्तविक कौशल नहीं था। इसके अलावा, जब आप यहां घूम रहे थे तो क्या आपको कोई राक्षसी जानवर दिखे? देवेश ने सिर हिलाया। तब इसका मतलब केवल यह हो सकता है कि यह चीज शायद केवल एक छोटा सांप था जिसने जमाव वाले रक्त मनके को निगल लिया था, और कुछ किस्मत के साथ वह मरा नहीं बल्कि एक राक्षस जानवर बन गया, और यह कहा जा सकता है कि यह इसमें एकमात्र राक्षस जानवर था। जगह क्या एक साधारण सांप इतना बड़ा सांप बन सकता है, देवेश ने आश्चर्य से कहा, भयंकर। तभी उसे अचानक एक संभावना सूझी और थोड़ा उत्साहित होकर बोला, अगर एक छोटा सा सांप इसे निगल सकता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, आखिरकार आप एक इंसान हैं। यदि युवा मास्टर पुष्टि करना चाहता है तो प्रयोग के तौर पर पहले मॉन्स्टर कोर को निगल लें। यह प्रस्ताव अच्छा है, देवेश ने सिर हिलाया। फिर वह सांप के शरीर के पास गया, उसे काटा और अंदर चारों ओर खुदाई करने और राक्षस कोर को पुनः प्राप्त करने से पहले कोर का रंग भी अप्रत्याशित रूप से रक्तलाल था। यह केवल कबूतर के अंडे के आकार का था और इसके अंदर जमा होने वाले रक्त मनकों की कुछ ऊर्जा मौजूद थी। ओल्ड डेमन से अपनी रक्षा करने के लिए कहते हुए देवेश ने कोर को अपने कपड़ों पर रगड़ा और फिर सीधे अपनी जेब में रख लिया। ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट की परिक्रमा करने के बाद देवेश को तब महसूस हुआ कि उसके पेट में किसी प्रकार की ऊर्जा प्रवेश कर रही थी, जो सीधे उसके शरीर में प्रवेश कर गई और बहुत सारी दुष्ट क्यूई को दूषित कर दिया। यह उस युवा शैतान की क्यूई होनी चाहिए जो इस स्थान पर मर गया। एक पल में देवेश का शरीर भी खून की तरह अतुलनीय रूप से लाल और चमकीला हो गया और वह दुष्ट क्यूई से भरा हुआ लगने लगा। हालांकि वह बाहर से डरावना लग रहा था, लेकिन अंदर कोई ज्यादा खतरा नहीं था। देवेश को कुछ देर के लिए अपने दिमाग पर असर महसूस हुआ, लेकिन कुछ देर बाद वह स्थिर हो गया। उसके मेरिडियन में सच्चा यांग युआन क्यूई स्वाभाविक रूप से दुष्ट क्यूई की यिन प्रकृति का विरोध करता था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इससे डरता नहीं था। ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट की क्रांति के तहत दुष्ट क्यूई को धीरे धीरे जला दिया गया और केवल सार को पीछे छोड़ दिया गया। प्राप्त सार यांग गुण का नहीं था, इसलिए यह यांग तरल बनाने में असमर्थ था। और अजीब बात यह है कि इसे अधिक गोल्डन बॉडी द्वारा अवशोषित नहीं किया गया था, लेकिन उसके मांस और रक्त द्वारा अवशोषित किया गया था, जिससे प्रत्येक कोशिका ऊपर से नीचे तक खुशी के साथ नृत्य कर रही थी। उनके शरीर की प्रत्येक मांसपेशी ऊर्जा के साथ चलती रही। कोर में ऊर्जा का उपभोग करने के लिए देवेश को एक दिन की आवश्यकता थी, और जब उसने फिर से अपनी आंखें खोली तो उसकी पुतलियां बिजली की तरह चमक उठी।
देवेश को लगा कि उसका पूरा शरीर पहले जैसा नहीं रहा। यह उनकी सीमा का प्रचार नहीं था और न ही उनकी मानसिक स्थिति में वृद्धि थी, बल्कि यह उनके नश्वर शरीर का परिवर्तन था। उसका शरीर कोर को अवशोषित करने से पहले की तुलना में अधिक मजबूत था। उसकी जीवन शक्ति बढ़ गई और उसका शरीर इतना मजबूत हो गया कि वह अपने युवान क्यूई का अधिक उपयोग किए बिना करीबी मुकाबला कर सकता था। युवा मास्टर, आप कैसा महसूस करते हैं? बूढ़े दानव ने धीरे से पूछा। मुझे अच्छा लग रहा है। क्या कंजीलिंग ब्लड बीड का मुख्य कार्य किसी व्यक्ति के शरीर को बेहतर बनाना है? स्वाभाविक रूप से यह है। यंग डेविल का सार भी सीमा को बढ़ावा देने में मदद करने में सक्षम है, लेकिन इसका प्रमुख कार्य शरीर की गुणवत्ता को मजबूत करना है। आपने कहा था कि इससे सीमा बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है, बूढ़ा दानव झट से बोला। युवा गुरु, आपकी समझ बहुत उथली है। सीमा में वृद्धि का मतलब केवल सीमा को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इसका मतलब नश्वर शरीर को मजबूत करना, गहरी युवान क्यूई, मार्शल आर्ट और मार्शल कौशल की गहरी समझ, विभिन्न प्रकार के विकास को भी सीमा को बढ़ावा देना कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए युवा मास्टर, यदि आप अभी की अपनी तुलना कुछ दिन पहले की तुलना में करते हैं तो आपका शरीर बेहतर है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी सीमा में वृद्धि हुई है। देवेश ने उसे घूर कर देखा, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, हाँ, तुमने जो कहा वह सही है, मेरी समझ तो बहुत उथली है। आखिरकार युवा मास्टर युवा हैं और उन्होंने इन बातों पर विचार नहीं किया है, ओल्ड डेमन ने कहा। श्रेय का दावा करने की हिम्मत नहीं हो रही है। जब देवेश ने उस विशाल पत्थर को देखा तो उसमें अभी भी 3 जमने वाले रक्त के मोती थे। देवेश ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया और सीधे पहली बूंद पर अपना हाथ रख दिया। यह जमने वाला रक्तकण ऐसा लग रहा था जैसे यह अपने आप सोच सकता है। यह तुरंत चला गया और सीधे देवेश के शरीर के अंदर समा गया। देवेश के अंदर पहले की तुलना में कहीं अधिक प्रचंड ऊर्जा फूट पड़ी। देवेश एक असंतुष्ट खर्राटे लेना सहन नहीं कर सका और उसने ध्यान में बैठने के लिए जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली। अगले आधे महीने में देवेश ने न केवल कॉन्जिलिंग ब्लड बीड की 3 बूंदों में ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, बल्कि उसने विशाल पत्थर में संग्रहित ऊर्जा को भी खत्म कर दिया। उसके शरीर की जीवन शक्ति आधे महीने पहले की तुलना में दोगुनी हो गई थी। उसकी गति और शक्ति में भी उल्लेखनीय उन्नति हुई। इसके अलावा उन्होंने क्यूई ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज की 3री परत को भी तोड़ दिया। आधे महीने बाद ओल्ड डेमन के सुझाव के तहत देवेश ने अपने हाथ का उपयोग करके विशाल पत्थर को रास्ते से हटा दिया। उन्होंने युआन क्यूई का उपयोग किए बिना और केवल क्रूर ताकत के साथ ऐसा किया, लेकिन वह 1500 किलोग्राम के पत्थर को आसानी से उठाने में सक्षम थे। पत्थर के नीचे एक ठंडी सुरंग थी जो घनी काली क्यूई से भरी हुई थी। यह स्पष्ट रूप से रेड क्लाउड द्वीप के दाहिने प्रायद्वीप पर राक्षस क्यूई का मूल कारण था। रिहा होने के बाद दानव क्यूई का यह घना कोहरा अप्रत्याशित रूप से सीधे देवेश की ओर बढ़ गया। ओल्ड डेमन ने एक अजीब सी मुस्कान दी। छोटी सी बात, जो चाल इस बूढ़े आदमी ने खेलने की कोशिश की, अप्रत्याशित रूप से आप भी कोशिश करना चाहेंगे। आप सचमुच स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता को नहीं जानते। ओल्ड डेमन जिसका जिक्र कर रहा था वह जाहिर तौर पर उसकी और देवेश की पहली अजीब मुलाकात थी, जिसमें ओल्ड डेमन ने देवेश के नश्वर शरीर पर कब्जा करने की भी कोशिश की थी। उस समय उसने अपनी सारी चालें चली, लेकिन अंत में देवेश के सामने दब गया। बोलते बोलते वह भी काले कोहरे में बदल गया और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ गया। काले कोहरे के 2 समूह एक साथ पिघल गए और तुरंत सुरंग के अंदर युद्ध शुरू हो गया। इतने हंगामे में देवेश को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे यह भी समझ नहीं आ रहा था कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है, लेकिन फिर उसने सोचा कि ओल्ड डेमन आखिरकार एक ओल्ड डेविल था और वह घमंड भी बहुत करता था, इसलिए उसे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। काफी देर तक इंतजार करने के बाद देवेश ने पूछा, इस शैतान की अमर आत्मा भी आपके जैसी ही है, लेकिन इसे दुनिया में सुरक्षित क्यों रखा जा सकता है? बूढ़ा दानव कुछ मुश्किल स्थिति में लग रहा था। युवा गुरु, उसकी अमर आत्मा पहले ही ढह चुकी है, लेकिन केवल कुछ अवशेष इरादा बाकी है। देवेश ने भौहें सिकोड़कर पूछा, कोई दिक्कत है क्या? बूढ़ा दानव एक पल में शर्मिंदा हो गया और बोला, यह बूढ़ा नौकर युवा मालिक से उसकी मदद करने के लिए कहता है। इस पुराने नौकर की चालें उससे जीत नहीं पा रही हैं। देवेश तुरंत निःशब्द हो गया, फिर गंभीर चेहरा बनाकर अपनी हंसी को दबाने की कोशिश करते हुए उसने पूछा, क्या वह युवा शैतान नहीं है? आप उसके विरुद्ध कैसे जीतने में असमर्थ हैं? देवेश को उपहास करते हुए सुनकर बूढ़ा दानव रोने लगा, हाँ हाँ, यह युवा शैतान अच्छा है, लेकिन यह बूढ़ा नौकर उससे पहले मर गया और मेरी अमर आत्मा स्वर्ग की गुफा विरासत में सील होने के दौरान टूटने वाली थी। छोटे मालिक, अगर आप मदद नहीं करेंगे तो मुझे डर है कि इस बूढ़े नौकर को वह निगल जाएगा। यह सुनने के बाद देवेश को स्थिति की गंभीरता का एहसास हुआ और उसने पूछा, मैं कैसे मदद करूं? यह लड़का जो अच्छा और बुरा नहीं जानता है, वह सिर्फ आपके शरीर पर कब्जा करना चाहता है। आपको केवल उसे अपने उपकरणों पर छोड़ने की जरूरत है और वही होगा जो स्वर्ग की गुफा विरासत में होगा। रोजी, जैसे कि जब अडिग गोल्डन बॉडी ने ओल्ड डेमन को दिखाया जो बॉस था, ऐसा करना आसान था। देवेश ने बस सुरंग की ओर अपना हाथ खोला।
एक पल में एक ठंडी आभा उसके हाथ के माध्यम से उसके अंदर प्रवाहित हुई और सीधे उसके शरीर में समा गई। देवेश बिना किसी चिंता के मुस्कुराया। और वास्तव में ट्रू यान सीक्रेट आर्ट की क्रांति के तहत यह ठंडी आभा जल गई और अवशोषित हो गई, जिसके बाद एक दयनीय चीख पुकार मच गई। इस ठंडी ऊर्जा के निर्मित होने के बाद केवल कुछ सार बचा था, जिसे अडिग स्वर्ण शरीर ने अवशोषित कर लिया था। देवेश की सहायता से ओल्ड डेमन अंततः कमजोर हो रहे डेविल के साथ बराबरी हासिल करने में सक्षम हो गया और आखिरकार एक घंटे के बाद वह विजी पक्ष हासिल करने में सक्षम हो गया। बस बहुत हो गया युवा मालिक, अब आप साइड से देख सकते हैं कि यह बूढ़ा नौकर इस छोटी सी चीज को कैसे निगल जाता है। बूढ़े दानव ने जल्दी से उसे इस डर से रोक दिया कि देवेश उससे दानव क्यूई भी छीन लेगा। फिर उसने अपने दिल में फुसफुसाया, यह युवा गुरु इस ऊर्जा को कैसे अवशोषित करने में सक्षम है? क्या युवा मास्टर यान विशेषता गुप्त कानून का अभ्यास नहीं करता है? यह सचमुच अजीब है। उसकी बात सुनकर देवेश ने भी सुरंग से अपना हाथ पीछे खींच लिया और फिर ओल्ड डेमन को नजरअंदाज कर दिया। जो स्प्रिट दवा उसे मिली थी उसे उसने चबाना शुरू कर दिया। देवेश को उन स्पिरिट दवाओं के बारे में जानकारी थी जो उसने चुनी थी, और इस प्रकार वह जानता था कि उनमें कोई विषाक्त पदार्थ नहीं है। यदि उन्हें गोलियों में परिष्कृत किया जाए तो वे मूल्यवान और उपयोगी होंगे, क्योंकि वे अधिक प्रभावी होंगे। हालांकि वर्तमान में वह मूल रूप से कैद में था, जाहिर तौर पर उन्हें परिष्कृत करने का कोई अवसर नहीं था। हालांकि उन्हें संरक्षित किया जा सकता था, लेकिन वह फिलहाल ऐसा करने में असमर्थ हैं। ओल्ड डेमन और उस काले कोहरे के बीच युद्ध पूरे दिन चलता रहा और अंततः काले कोहरे के दो समूहों के एक हो जाने के बाद बंद हो गया। इस युद्ध के बाद ओल्ड डेमन की ताकत बहुत बढ़ गई। बूढ़े दानव ने ऊंची आवाज में कहा, बहुत धन्यवाद युवा स्वामी, यह बूढ़ा नौकर आपकी उम्मीदों को पूरा करने में सक्षम था। देवेश को हल्की खांसी हुई। ओल्ड डेमन ने शर्माते हुए कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए बंद रहने की जरूरत है। फिर बिना और इंतजार किए वह देवेश के शरीर में समा गया। अगले दिन तक भी बूढ़ा दानव अभी भी बंद करने में व्यस्त था। इस बीच देवेश स्पिरिट दवा बनाने का प्रयास कर रहा था। अपने अडिग सुनहरे शरीर के साथ वह चीज जो ऊर्जा के समुद्र को अवशोषित करने में सक्षम थी, चाहे वह किसी भी प्रकार की हो, वह दवा बनाने के अपने प्रयास में डर नहीं रहा था। आखिरकार वह जानता था कि यह जहरीला नहीं था और यह उसकी क्यूई के साथ टकराव पैदा करने वाला नहीं था। कुछ समय के बाद अंततः उसने पूरी तरह से दवा तैयार कर ली, उसे क्यूई परिवर्तन तीसरे चरण से चौथे चरण तक प्रचारित करना। दो महीने तक रेड क्लाउड द्वीप पर पहुंचने के बाद एक स्तर को बढ़ावा देने में सक्षम होने का मतलब था कि यहां की यात्रा पूरी तरह से बेकार नहीं थी। चूंकि अमर आत्मा को पुराने दानव ने अपने में समाहित कर लिया था और यहां का सारा खजाना देवेश ने अपने कब्जे में ले लिया था, उन्होंने अनुमान लगाया कि कुछ समय के बाद इसे रेड क्लाउड कल्टीवेटर्स के लिए एक प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं माना जाएगा। जाने का समय। देवेश पहाड़ से नीचे उतरा और वापस समुद्र तट पर लौट आया। रेड क्लाउड आइलैंड छोड़ने के लिए देवेश को एक नाव की जरूरत होगी। इस मुद्दे ने उसके दिमाग को पूरे चिंतन के लिए सुन्न कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अपना जहाज बनाना एक अनुचित कार्य था। इसे प्राप्त करने की एकमात्र संभावना रेड क्लाउड संप्रदाय से चोरी करना था। उसे इसे प्राप्त करने के लिए एक विधि के बारे में सोचना पड़ा। लेकिन अगर मैं एक खाली नाव हासिल करने में भी कामयाब हो जाऊं तो मैं लंगर कैसे खोलूं और नाव को चलाकर समुद्र में कैसे ले जाऊं? कुछ देर सोचने के बाद अचानक देवेश को दूर से सरसराहट की आवाज सुनाई दी। उसने ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपना सिर झुका लिया और किसी को हांफते हुए एक संघर्षरत महिला की दया की पुकार के साथ मिश्रित आवाज में सुना। उस क्षेत्र की ओर दौड़ते ही देवेश का चेहरा तुरंत डूब गया। देवेश घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन स्थिति का अच्छा विश्लेषण करने के लिए झाड़ियों के पीछे छिपा रहा। यह वैसा ही है जैसा मैंने अनुमान लगाया था। रेड क्लाउड संप्रदाय उस काले गहरे फल को इकट्ठा करने के लिए केवल सामान्य इंसान को अपने द्वीप पर भेजता है। उसके सामने का दृश्य कुछ ही मीटर की दूरी पर था। एक मजबूत आदमी एक महिला के ऊपर बैठा था और उसके कपड़े फाड़ रहा था। वह आदमी गाय की तरह हांफ रहा था, आगे बढ़ते हुए उन्मादी और अश्लील ढंग से हंस रहा था। इस बीच उसके अधीन महिला मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन सब व्यर्थ था, क्योंकि उसके पास पर्याप्त ताकत नहीं थी, केवल उसे दया के लिए रोने के योग्य छोड़ दिया। उस आदमी की आभा बुरी है। देवेश उस आदमी के पीछे चमका। उस कमीने की पीठ पर अपना पैर बड़े करीने से रखकर उसने लात मारी। वह इतना जोरदार था कि वह आदमी उड़ गया। इतने में उस आदमी के नीचे की औरत आजाद हो गई और उसने जल्दी से अपने कपड़े समेट लिए। घटना के बाद भी उसका शरीर कांप रहा था, वह सुरक्षा के लिए देवेश के पीछे छिप गई। एक बार जब उस आदमी ने देखा कि उसके पैरों के नीचे से जमीन गायब हो गई है तो वह दुख से चिल्लाने लगा। जब वह अंततः जमीन पर वापस आया तो वह जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अशुभ दृष्टि से देवेश को देखने लगा। उसकी दोनों आंखें लाल हो गईं और उसका चेहरा शत्रुता में डूब गया। इस बिंदु पर यह स्पष्ट था कि उसका दिमाग उसके शरीर से निकलने वाली राक्षसी क्यूई द्वारा भस्म होने वाला था। यहां तक कि उसके नथुनों से भी भाप नहीं निकल रही थी।
हाँ, देवेश ने आह भरी। इस शख्स के कपड़ों से लग रहा था कि वह गरीब है। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि उसे पहले भी कई बार द्वीप के अंदर और बाहर फेंका जा चुका था। ऐसे अनुभवों के साथ यह और भी अधिक संभव था कि उसका दिमाग अपनी प्राकृतिक स्थिति खो रहा था और उसे किसी जानवर में बदल रहा था। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए देवेश उस आदमी को मारना नहीं चाहता था। इसके बजाय लड़के ने उसे केवल एक लात मारी। बच्चे भाड़ में जाओ, उस आदमी ने मुंह बनाते हुए कहा। चूंकि वह इतनी दूर जाने वाला था तो वह देवेश की उपस्थिति की परवाह करने और हार मानने को कैसे तैयार होता। देवेश ने केवल उदासीन दृष्टि से देखा और जल्द ही उसके सामने खड़ा आदमी पागल बैल की तरह आगे बढ़ गया। क्रोध से भरा उसका चेहरा अब कातिलाना हो गया। तो फिर मैं तुम्हें दर्द से मुक्ति दिलाऊंगा, देवेश वहीं खड़ा रहा। जब उसकी ओर दौड़ता हुआ आदमी काफी करीब आ गया तो उसने उसका हाथ पकड़कर उस आदमी की छाती की ओर इशारा किया। यांग युआन क्यूई ने जल्द ही खुद को उस आदमी के दिल में इंजेक्ट कर लिया। इसे तुरंत रोकना। जरा भी दर्द के बिना उस आदमी का शरीर निष्क्रिय हो गया क्योंकि उसकी जीवन शक्ति गायब हो गई। उसके पीछे वह महिला विलाप करते हुए सिसक रही थी। उन कमजोर हिचकियों को सुनकर देवेश को भी असहजता महसूस हुई। वह सांत्वना देने के प्रयास में घूम गया, लेकिन एक बार जब वह पलटा और उसकी नज़र उसके चेहरे पर पड़ी तो उसका पूरा दिमाग कांप गया। यह महिला ऐसी लगती है मानो वह 30 के आसपास की हो। उसकी गोरी और कोमल त्वचा से वह बहुत खूबसूरत होनी चाहिए। हालांकि अभी उसके चेहरे पर एक भयानक निशान फटा हुआ था। प्रत्येक निशान लगभग एक नाखून जितना मोटा उसके पूरे चेहरे पर फैला हुआ था। यहां तक कि घाव के आसपास का सूखा खून भी पूरी तरह से साफ नहीं हुआ। हालांकि ऐसा था भी, उसकी सुंदरता कभी भी बहाल नहीं हो सकी। महिला का दृश्य समझ से भी भयावह था, लेकिन फटे हुए कपड़ों से खुद को ढकते हुए और अपना चेहरा छिपाते हुए भी वह कृतज्ञता की एक छोटी सी अभिव्यक्ति के साथ रो रही थी। अपनी उपस्थिति को जानकर अपने उद्धारकर्ता के प्रति कृतज्ञता महसूस करते हुए भी वह पीछे हट गई। वह देवेश को डराना नहीं चाहती थी। जैसे ही देवेश ने महिला की कलाई पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया। नहीं, कृपया रुकें, महिला ने संघर्ष करने की कोशिश की। देवेश शांत रहा और उसने अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करते हुए धीरे से उसका सिर ऊपर उठाया। कृपया मैं आपसे रुकने की विनती करती हूँ, महिला विनती करती रही। जैसे ही उसके गालों से आंसू गिरते रहे, उसने कमजोर होकर देवेश की ओर देखा, जिससे उसके चेहरे पर चोट का निशान कुछ अधिक भयानक लगने लगा। इस बीच देवेश की आंखों में वासना और घृणा का भाव नहीं था, इसके बजाय इसमें थोड़ा दुहक और झिझक थी। उसकी ठुड्डी को ऊपर उठाने के बाद उसका कांपता हुआ हाथ उसके दृश्य को अवरुद्ध करने वाले काले बालों को हटाने के लिए आगे बढ़ा, जिससे उसका पूरा चेहरा सामने आ गया। महिला ने अपनी आंखें बंद कर ली। यह स्पष्ट नहीं था कि क्या वह अपनी शक्ल से डर रही थी या देवेश की हरकतों ने उसे चौंका दिया था। बावजूद इसके उसके चेहरे से अब भी लगातार आंसू बह रहे थे। देवेश की पुतलियां सिकुड़ गईं क्योंकि उसने बोलने से पहले महिला पर एक लंबी और अच्छी नज़र डाली। मैडम, उसे इस परिचित तरीके से संबोधित करते हुए सुनकर महिला ने धीरे से अपनी आंखें खोली। आंखों की पुतलियों पर आंसुओं के बादल छाने के बाद भी वह अभी भी मन में संदेह की एक झलक के साथ देवेश को ध्यान से देख रही थी। एक बार जब उसने उसे पहचान लिया तो उसका संदेह धीरे धीरे गायब हो गया और उसकी जगह आश्चर्य और खुशी की भावना ने ले ली। मैडम, क्या वह सचमुच आप हैं? देवेश इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा है कि जब उसकी नज़र पहली बार इस महिला पर पड़ी तो उसे यह आभास हुआ। उसे लगा कि उसने किसी परिचित को देखा है। कुछ क्षण पहले उसकी आवेगपूर्ण और अजीब हरकतें सिर्फ इसलिए थीं क्योंकि वह पुष्टि करना चाहता था कि उसका अनुमान सही था या नहीं। जब महिला ने देवेश की आवाज़ सुनी तो उसे 2 महीने पहले उस भिखारी की याद आई जो गंदगी में सना हुआ था। कांपते हुए वह बोली, छोटे भिखारी, क्या वह तुम हो? देवेश ने गहरी सांस ली। उसके ये 2 शब्द सुनने के बाद उसे पता चल गया कि उसका अनुमान सही था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे यहाँ जियांग परिवार की मैडम मिलेंगी। केवल 3 लोग थे जो उसे छोटा भिखारी कहते थे। पहली थी कुई एर, दूसरी थी जियांग परिवार की युवा महिला और तीसरी थी जियांग परिवार की मैडम। तुम यहाँ क्यों हो? आपके चेहरे पर क्या हुआ? देवेश ने शंका से भरकर पूछा। कुई एर और जियांग परिवार की 2 महिलाओं को वर्तमान में मियाओ परिवार के संरक्षण मेसी सिटी में होना चाहिए। तो मैडम यहाँ क्यों हैं? जिस दिन हम अपने अलग अलग रास्तों पर आगे बढ़े, मियाओ हुआ चेन व्यक्तिगत रूप से उनका स्वागत करने आए थे। आखिरकार युवा महिला की मियाओ परिवार से सगाई हो गई थी। ऐसे में मैडम को मियाओ परिवार के भीतर सुरक्षित होकर अपना जीवन जीना चाहिए। मामला इतना नियंत्रण से बाहर कैसे हो गया कि वह यहां पहुंच गई? यंग हीरो, देवेश को पहचानने के बाद छोटा भिखारी जिसने पहले उसे बचाया था, मैडम अचानक घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। धमाके अपना सिर जमीन पर टिकाकर वह दुख में चिल्लाई, कृपया मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे जियांग परिवार के लिए न्याय का सहारा लीजिए।
देवेश ने तुरंत उसकी मदद करने की कोशिश की। जब उसे दोबारा उसके चेहरे की झलक मिली तो उसके माथे से खून बह रहा था। स्पष्ट था कि वह बेहद हताश थी। यह हमारे बोलने की जगह नहीं है, आओ हमें पहले यहां से निकलना होगा। देवेश ने उसे बाह में पकड़ लिया और उसे जल्दी से चलने के लिए सहारा दिया। उसकी शक्ल इतनी क्यों बदल गई? उसे पकड़कर रेड क्लाउड संप्रदाय में क्यों भेजा जाएगा? कोई एयर और युवा महिला कहाँ है? मियाओ परिवार का क्या हुआ? देवेश का मन सवालों से भर गया। हालांकि वे उसके करीब नहीं थे, फिर भी कम से कम कुछ दिनों तक तो वे उसके साथ रहे थे। इसके अलावा कोई एयर से बात करना मजेदार था। वह उसे बांटने के लिए नाश्ता लाने की उसकी दयालुता और उसके स्मार्टेलिक आकर्षक व्यक्तित्व को नहीं भूल सका। इसी तरह उसके अच्छे दिल और दयालु स्वभाव के लिए भी। काफी देर तक चलने के बाद देवेश मैडम को पहाड़ी की चोटी पर ले गया, जिसे रेड क्लाउड द्वीप का सबसे गहरा हिस्सा माना जाता था, जहां कोई भी सामान्य इंसान नहीं पहुंच सकता था। लोगों को बैठने की जगह मिल गई। महिला को अचानक देवेश से मिलने का चमत्कार याद आया और वह खुशी से रोने लगी। देवेश ने उसे सांत्वना नहीं दी, इसके बजाय उसने उसे रोते रहने की अनुमति दी। आखिर कोई जल्दी नहीं थी। उसके पास पूछने के लिए कई प्रश्न थे और वह जानता था कि मैडम के पास उसे सूचित करने के लिए कई मामले थे। आधे घंटे बाद ही मैडम की चीखें कम हुई। अपने बालों से अपना चेहरा ढकते हुए उसने अपने कांपते शरीर को पकड़ रखा था। देवेश ने उसके ऊपर रखने के लिए अपना कोट उतार दिया। धन्यवाद। भले ही वह दयनीय स्थिति में थी, मैडम ने अपना शिष्टाचार नहीं छोड़ा। कृपया मुझे बताओ क्या हुआ? अतीत की यादों को याद करते हुए मैडम की आंखों में हल्का सा वियोग प्रकट होता है। वह धीमी और गहरी आवाज में देवेश को पूरी कहानी सुनाती है। कुई एयर कुआन एयर द यंग लेडी और मैं सभी मियाओ हुआ चेंग के साथ मियाओ परिवार में गए। पहले कुछ दिनों तक मियाओ हुआ चेंग ने हमें अपने घर में सम्मानित अतिथि के रूप में माना। हालांकि जब मैंने उनसे हुआन एयर की शादी के बारे में बात की तो उन्होंने तारीख को 3 महीने से बढ़ाकर 4 महीने कर दिया। पहले तो मुझे इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। कुछ दिनों बाद जब मैंने उनसे बात की तो वे इसके लिए तैयार हो गए, लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी। उन्होंने कहा कि उनके बेटे का दर्जा सम्मानजनक है और मेरे परिवार की हुआन एयर उससे मेल नहीं खाती। यदि वह उससे शादी करना चाहती है तो वह अधिक से अधिक उसकी रखेल बन सकती है। मैं गुस्से में था लेकिन और कुछ नहीं बोला। अगले दिन मैंने तुरंत हुआन एयर और कुई एयर को अपना सामान पैक करने के लिए कहा। मैं मियाओ परिवार को छोड़ना चाहता हूँ। सी सिटी में आने के लिए हमें बहुत कठिनाई का अनुभव हुआ और ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी किसी की रखेल बन जाए। इसके अलावा यह एक ऐसी शादी है जिस पर वह और मेरे पति सहमत थे। वह इस तरह अपने शब्दों के खिलाफ कैसे जा सकता है? लेकिन हमारे मियाओ परिवार को छोड़ने का इंतजार किए बिना मियाओ हुआ चेंग क्रोधित हो गए और हम सभी को हिरासत में ले लिया। बोलते समय मैडम के चेहरे पर भय का भाव झलक रहा था। यह स्पष्ट था कि यह पूरी स्थिति उसके लिए एक दुःस्वप्न थी। उसकी अभिव्यक्ति और भी बदतर हो गई। वह सिसकते हुए और अधिक उदास दिखाई देने लगी। मुझे समझ नहीं आया कि मियाओ हुआ चेंग यह सब क्यों करेगा। हालांकि दूसरों से पूछताछ के बाद आखिरकार मुझे सच्चाई का पता चल गया। वह वही था जिसने पीठ पीछे से तार खींचे थे। मेरे गरीब पति की मृत्यु टोंग प्रांत के लोगों को रिश्वत देने के कारण हुई थी। मेरे पति की मृत्यु के बाद वह मेरे पास आए और मुझे मेरे हुआन एयर और उनके बेटे के बीच हुए विवाह समझौते की याद दिलाई। कितना हास्यास्पद है यह सोचना कि मैं अनजान पकड़ा गया और अपनी बेटी को बाघ की मांद में ले गया। उसने ऐसा कुछ क्यों किया? क्या आपके पति और मियाओ हुआ चेंग सबसे अच्छे दोस्त नहीं थे? देवेश को लगा कि यहां जो बातें कही गई हैं वे आंखों से मिलने वाली बातों से कहीं ज्यादा हैं। जिस दिन उसने व्यक्तिगत रूप से मियाओ हुआ चेंग को उसकी दुर्हक भरी आवाज और उदास भाव के साथ देखा था, यह स्पष्ट रूप से सिर्फ एक कृत्य था। देवेश की पूछताछ सुनने के बाद मैडम केवल एक दयनीय मुस्कान ही दे सकी और समझाती रहीं। जब मैंने उन कारणों के बारे में जानना चाहा कि मियाओ हुआ चेंग ने मेरे साथ एक गरीब विधवा माँ के साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, तो मैंने हर वो तरीका आजमाया जिसके बारे में मैं सोच सकती थी। आखिरकार बात उस चीज पर आ गई जो मेरे पति और उस आदमी ने वर्षों पहले प्राप्त की थी। क्या बात है? कछुए के खोल का एक टुकड़ा, मैडम ने उत्तर दिया। मेरे पति और मियाओ हुआ चेंग एक बार अतीत में फुर्सत के लिए सी सिटी में घूमे थे। वे संयोगवश एक कछुआ खोल पर ठोकर खा गए जिस पर किसी प्रकार का नक्शा प्रदर्शित हो रहा था। उस समय दोनों ने मानचित्र के साथ मिलान खोजने की आशा में पास के द्वीपों के चारों ओर देखा। दुर्भाग्यवश वह स्थान मानचित्र से मेल नहीं खाता था, इसलिए उन्होंने मान लिया कि शंख नकली रहा होगा। हालांकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरा पक्ष अपनी खोज के बारे में गुप्त रहे, उन्होंने शेल को 2 भागों में विभाजित किया और इसे साझा किया। मैडम ने आगे बढ़ने से पहले धीरे से हांफते हुए कहा, यहां उनके साहसिक कारनामों के बाद मेरे पति टोंग प्रांत वापस चले गए और अपना खुद का स्कूल बनाना शुरू कर दिया। इस बीच मियाओ हुआ चेंग सी सिटी में बस गए।
संभवतः उन्होंने कछुए के खोल का अध्ययन और अनुसंधान जारी रखा। हाल के वर्षों में ही वह किसी प्रकार का सुराग प्राप्त करने में कामयाब हुआ था। मेरे पति के साथ साझा करने के लिए अनिच्छुक होने के कारण उसने उनकी हत्या करने का फैसला किया, यहां तक कि मेरे पूरे परिवार को सी सिटी में स्थानांतरित होने के लिए बरगलाया गया। मैंने व्यक्तिगत रूप से एक बार अपने पति के स्वामित्व वाले कछुए के खोल का आधा हिस्सा देखा था। चूंकि मुझे पता था कि यह बहुमूल्य है, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले गया। यंग हीरो, क्या आपको दिवंगत गार्ड झांग दिंग याद है? वह जिसने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। उसके कार्यों को मियाओ हुआ चेंग द्वारा कठपुतली बनाकर प्रस्तुत किया गया था। देवेश की आंखें झुक गईं। बिल्कुल, मैडम का सिर नीचे झुक गया। मेरा मानना है कि चूंकि मियाओ हुआ चेंग को मेरे पति का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता था, इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से हमारे साथ शुरुआत नहीं करना चाहते थे। इस प्रकार उन्होंने झांग दिंग का उपयोग किया और उन्हें पहला कदम उठाने के लिए उकसाया। आपके बिना यंग हीरो, मेरा मानना है कि हम सभी हुआन एयर कुई एयर और मैं मेरे पति के साथ अगले जीवन में जाने के लिए भेजे गए होते। निश्चित रूप से एक सबसे अच्छा दोस्त, देवेश ने उपहास भरी मुस्कान दी। हालांकि उनके मन में अभी भी कुछ संदेह था जिसे वह स्पष्ट करना चाहते थे। मैडम, आप तीनों औसत इंसान हैं। आपके मियाओ परिवार में प्रवेश करने के बाद यदि मियाओ हुआ चेंग वास्तव में आपसे वह खोल प्राप्त करना चाहता तो यह इतना आसान काम होगा। यह कैसे संभव है कि बाद में ही उसने अपना असली रंग उजागर किया? मैडम बुरी तरह मुस्कुराई। शुरुआत में तो मुझे भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों है। हालांकि थोड़ी देर बाद मैं इसका पता लगाने में कामयाब रहा और यह सब आपका धन्यवाद था। उन्हें मैडम ने सिर हिलाया और अपना स्पष्टीकरण फिर से शुरू किया। जब मियाओ हुआ चेंग ने हमारा अभिवादन किया तो मैंने आपके निर्देशों का पालन किया और उसे बताया कि एक शक्तिशाली कृषक ने झांग दिंग को मारने में हमारी सहायता की थी, हमें उसके विद्रोह से बचे रहने की अनुमति दे रहा है। चूंकि मियाओ हुआ चेंग एक विवेकशील व्यक्ति है, इसलिए उसने पहले यह जांचने और देखने का इंतजार किया कि जिस व्यक्ति का हमने उल्लेख किया था वह हमारे आसपास छिपा है या नहीं। इस प्रकार उसने आरंभ करने का साहस नहीं किया। जब उसे अंततः एहसास हुआ कि हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, तब उसने अपना असली रंग प्रकट किया। देवेश ने सहमति में सिर हिलाया क्योंकि उसे उसका तर्क सही लगा। तो आगे क्या हुआ? दुःस्वप्न शुरू हुआ, मैडम की आवाज धीमी हो गई, मानो वह रोने के लिए फूट फूट कर रोने वाली हो, लेकिन वह बोलने पर कायम रही। हमारी जान बचाने के लिए मैंने कछुए के खोल का दूसरा आधा हिस्सा सौंप दिया, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मियाओ हुआ चेंग इतना क्रूर होगा कि अपनी यातना जारी रखेगा। जब वह बोल रही थी तो महिला का शरीर लगातार कांप रहा था क्योंकि उसने अवचेतन रूप से अपनी मुट्ठी कस ली थी। उसी रात जब मैंने उसे कछुआ खोल दिया, मियाओ हुआ चेंग हुआन एयर को ले जाने के लिए लोगों का एक समूह लेकर आया। उसने कहा कि उसकी शादी उसके बेटे से होनी चाहिए। जब हुआन एयर अनुपालन करने को तैयार नहीं थी तो कुई एयर उसकी सहायता के लिए खड़ी हुई। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मियाओ हुआ चेंग इतना निर्दयी होगा कि अपने आदमियों को उसे पीट पीट कर मार डालने का आदेश दे देगा। ऐसे विभत्स मंजर के बारे में सुनकर देवेश का पूरा शरीर काबू में नहीं आ रहा था और वह पीड़ा और गुस्से से कांपने लगा। मैडम बोलते बोलते सिसकती रहीं। अगले दिन मियाओ हुआ चेंग ने मुझे बताया कि मेरी अनमोल बेटी मेरी हुआन एयर के साथ बलात्कार किया गया था। इसे सहन करने में असमर्थ उसने आत्महत्या करने के लिए अपनी जीभ काट ली। देवेश को लगा कि उसका पूरा शरीर ठंडा हो गया है क्योंकि उसके भीतर का गुस्सा बिना किसी नियंत्रण के बढ़ गया था। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि एक चुलबुली लेकिन आकर्षक युवा घरेलू नौकरानी को इतनी बेरहमी से मार दिया जाएगा, जबकि शर्मीली और सौम्य युवा महिला आत्महत्या कर लेगी। उनके साथ यात्रा करने के केवल 2 महीने बाद वह इन सुंदरियों से फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। मियाओ हुआ चेंग भी मुझे अपमानित करना चाहता था, मैडम हकलाते हुए सिसकने लगी, लेकिन हुआन एयर और कुई एयर के साथ अपनी गलती से सीखते हुए उसने अब बहुत दूर जाने की हिम्मत नहीं की। कई दिनों तक मुझे हिरासत में रखने के बाद मेरी इच्छा को झुकाए बिना वह शर्म से क्रोधित हो गया और मुझे 1000 गोल्ड वाइन हाउस नामक स्थान पर बेच दिया। देवेश को इमारत के बारे में पूछताछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वह जानता था कि यह एक वेश्यालय था। मुझे समर्पण करने के लिए मजबूर किया गया, मुझे पीटा गया और यातना दी गई। बचाव की किसी भी उम्मीद के बिना मैंने कैंची की एक जोड़ी का उपयोग करके अपना चेहरा काट लिया। वह थी ऐसी शक्ल देखकर कोई भी आदमी मुझे छूने की हिम्मत नहीं करेगा। मैडम ने दयनीय ढंग से अपना उपहास उड़ाया। बाद में मेरे चेहरे पर मुस्कान के साथ मुझे रेड क्लाउड संप्रदाय को बेच दिया गया। मुझे मर जाना चाहिए था। मेरे पति के चले जाने के बाद मेरी बेटी और कुई एयर के साथ मेरे जीवित रहने का क्या मतलब? हालांकि मैं खुद को मरने की इजाजत नहीं दे सकता। अभी नहीं। अगर मैं मर जाऊं तो किसी को भी यह नहीं पता चलेगा कि उनके साथ कितना भयानक व्यवहार हुआ है। मुझे जीना ही होगा। तब तक जियो जब तक मैं अंततः उनके लिए वह बदला न ले सकूं जिसके वे हकदार हैं।
हालांकि मैं एक कमजोर महिला हूं, यह कुछ ऐसा है जो मुझे अवश्य करना चाहिए। देवेश का हृदय पसीज गया क्योंकि उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के रोमरों में एक चुभन भरी अनुभूति हो रही है, जिससे उसके हृदय से खून बहने लगा है। गहरी सांस लेते हुए उसने महिला को सांत्वना दी, मैडम आप दुनिया की सबसे खूबसूरत पत्नी और दुनिया की सबसे मजबूत माँ हैं। मृत्यु को चुनना आसान था लेकिन ऐसी स्थिति में जीना कम से कम कहने के लिए असहनीय था। यंग हीरो, क्या मैं आपसे आखिरी बार मेरी मदद करने के लिए कह सकता हूँ? मैडम ने डबड़बाई आंखों से सिर उठाया और आशा भरी नजरों से देवेश की ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर हवा के थपेड़ों के बीच आह भरते देवेश का पूरा चेहरा गमगीन बना रहा। यह अफसोसजनक है लेकिन मेरी ताकत बहुत कम है। मैडम तुरंत उदास हो गई, लेकिन मैं मजबूत होता रहूंगा। मुझे अंतहसी सिटी में मियाओ परिवार से मिलने में सक्षम होने में कई साल लग सकते हैं। देवेश का निर्णय न केवल मैडम के अनुरोध पर आधारित था बल्कि उस भोजन के लिए कुई एयर के प्रति उसके ऋण का भी आधार था जो उसने उसे एक साथ यात्रा करते समय दिया था। मैडम के चेहरे के हाव भाव अत्यधिक खुशी में बदल गए जब वह जमीन पर घुटने टेक कर प्रणाम करने लगी। धन्यवाद, धन्यवाद यंग हीरो। काफी समय के बाद आखिरकार उसने बोलने के लिए अपना शरीर सीधा किया। यंग हीरो, हालांकि आप पहले से ही जानते हैं कि मियाओ हुआ चेंग इस सब के पीछे का मास्टरमाइंड था, लेकिन कुछ और भी है जो आपको जानना आवश्यक है। जो लोग मियाओ हुआ चेंग का समर्थन कर रहे हैं वे रेड क्लाउड्स संप्रदाय हैं। उन्हें? देवेश की भौहें सिकुड़ गईं। मियाओ हुआ चेंग का बेटा मियाओ लिन एक रेड क्लाउड संप्रदाय का शिष्य है। अपने बेटे की निम्न स्थिति के कारण मियाओ हुआ चेंग ने योगदान के रूप में लाल बादल संप्रदाय को कछुआ खोल देने की योजना बनाई, यह सुनिश्चित करने की आशा में कि उनके बेटे को संप्रदाय के भीतर उच्च दर्जा प्राप्त है। यह सब उस सड़े हुए बच्चे के कारण था जिसे रेड क्लाउड्स संप्रदाय के भीतर मान्यता प्राप्त करने की कोई उम्मीद नहीं थी। उसने सब कुछ कछुए के खोल पर डाल दिया और अपने पिता को मेरे जियान परिवार के प्रति इतना विश्वासघाती होने के लिए उकसाया। लाल बादल संप्रदाय, मैं जानता था। देवेश ने सिर हिलाया। यंग हीरो, मैडम चेंग ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए अपने होंठ भींच लिए। कांपती आवाज में वह बोली, हालांकि मुझे पता है कि आप मेरे जियांग परिवार के लिए प्रतिशोध लेने के लिए पर्याप्त हैं और इतने मानवीय हैं कि कुई एयर ने आपके प्रति जो परोपकार दिखाया था उसे नहीं भूलेंगे, लेकिन मेरा परिवार आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ नहीं कर सकता है। आपको इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यंग हीरो, कृपया मेरी बात सुनो, मैडम ने जोर देकर कहा, जिससे देवेश ने सिर हिलाया। वास्तव में जब मेरे पति को कछुए के खोल का दूसरा भाग प्राप्त हुआ था तब उन्होंने भी इसके अध्ययन और शोध में वर्षों बिताए थे। मियाओ हुआ चेंग के समान उन्होंने मानचित्र का दूसरा भाग भी प्राप्त किया। मेरे पति ने पहले मेरे साथ जो साझा किया था उसके आधार पर कछुआ खोल में से एक द्वीप के स्थान के लिए एक मार्ग मानचित्र है। इस बीच नक्शे के दूसरे आधे हिस्से में जो उसने प्राप्त किया था उसमें द्वीप के भीतर का आंतरिक मार्ग शामिल था। क्या? देवेश आश्चर्य में पड़ गया। तो यह नक्शा कहाँ है? यह मुझ पर है, महिला ने अस्वाभाविक स्वर में उत्तर दिया। मैडम के बोलते ही देवेश को संदेह हो गया। एक सामान्य महिला के लिए उस महत्वपूर्ण मानचित्र टुकड़े की मियाओ हुआ चेंग की खोज से बचाव करना कैसे संभव था? काफी देर तक चुप रहने के बाद आखिरकार मैडम ने अपना संकल्प पक्का कर लिया और बोलने के लिए मुंह खोला। युवा हीरो, चूंकि मैं अपने परिवार के प्रति आपके प्रति कृतज्ञता का ऋण चुकाने में असमर्थ हूँ, कृपया इस मानचित्र को अपने पुरस्कार के रूप में स्वीकार करें। अपने हाथों का उपयोग करते हुए मैडम ने अपनी पैंट पकड़ ली और उसे फाड़ दिया, जिससे उसकी बर्फसफेद जांघों का एक बड़ा हिस्सा दिखाई देने लगा। नक्शा मेरी त्वचा पर खुद ही उकेरा गया है। अपना सिर नीचे झुकाते हुए कांपते शरीर के साथ मैडम ने इस कार्य को करने के लिए अपना पूरा साहस जगाया। देवेश का रंग तुरंत लाल हो गया क्योंकि उसकी आंखें तुरंत लार निकलते हुए दूसरी दिशा में चली गईं। कई दिनों तक अपने साधना स्तर और समग्र शक्ति को बढ़ावा देने के बाद यिन्यांग जॉयस यूनिफिकेशन आर्ट का उन पर अधिक प्रभाव पड़ा। उसके दिमाग में सुयान का चेहरा घूमना एक सामान्य घटना थी। यदि ध्यान की शक्ति न होती तो वह निश्चित रूप से अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पा पाता। अब मैडम के प्रदर्शन से देवेश को लग रहा था कि वह खुद को खोने वाला है। मैडम, देवेश ने भौहें सिकोड़ ली। यंग हीरो, मैडम का रंग भी लाल था। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए मेरे पति की मृत्यु हो गई। मैं इसे दफनाना नहीं चाहता और न ही दुश्मन के हाथ पड़ने देना चाहता हूँ। कृपया इसे एक पुरस्कार माने जो मैं आपको देता हूँ यंग हीरो, यह स्वीकार करें। देवेश ने आह भरी। अगर मैंने इसे अस्वीकार कर दिया तो वह निश्चित रूप से आहत होगी। फिर मैडम, मुझे आपको ठेस पहुंचाने के लिए खेद है। देवेश ने नीचे बैठते हुए मैडम की जांघ को अच्छी तरह से देखा। वहां ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं वाला एक स्थान था जिससे द्वीप का आकार बनता था। मानचित्र पर कई क्षेत्रों को विशेष रूप से बड़े विस्तार से लेबल किया गया था। इसके अलावा वहां एक स्पष्ट घुमावदार रास्ता था जिस पर चलना था।
देवेश ने नक्शे को ध्यानपूर्वक मापते समय अपना धैर्य बनाए रखने की कोशिश की, अपने सदमे और विस्मय को जरा सा भी प्रदर्शित नहीं होने दिया। उधर मैडम अभी भी कांप रही थी, क्योंकि उसकी दोनों आंखें बंद थीं, उसके आंसू बहते रहे। एक कप चाय गर्म करने का समय बीतने के बाद देवेश ने पूरा नक्शा याद कर लिया था और अपनी जांघ को छुपाने के लिए फटा हुआ कपड़ा उठाया। यंग हीरो, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद, मैडम धीमी आवाज में बोलते हुए जमीन पर एक तरफ बैठ गईं। अपनी बात कहने के बाद ऐसा लगा मानो उसके दिल का सारा बोझ उतर गया हो। देवेश उसके चेहरे के हाव भाव से बता रहा था कि वह फिलहाल सिर्फ मौत चाहती है, उसका दिल मर गया है। वह बदला लेने के लिए जी रही थी और अब जब मैं यहां हूं तो उसकी इच्छाएं मुझ तक पहुंच गई हैं, तो उसे अब जीने की इच्छा नहीं है। उसके चेहरे के भाव देखने के बाद देवेश फिर कुछ नहीं बोला। एक दिन के बाद देवेश पहाड़ से नीचे उतरा, उसने वह टोकरी ली जो मैडम अपने साथ लाई थी, जिसके अंदर एक गहरा काला फल था। वह कदम दर कदम समुद्र के किनारे की ओर चला और पीछे मुड़कर पहाड़ की चोटी की ओर देखा। पहाड़ की चोटी पर मैडम आंसुओं से भीगे चेहरे के साथ बैठी थीं। वह अचंभित होकर समुद्र की ओर देख रही थी, गतिहीन। देवेश ने उसे जाने नहीं दिया, इसके बजाय उसने उसे वहीं छोड़ दिया, यह जानते हुए कि उसे जीवित रहने देना उसे अपनी मृत्यु चुनने की अनुमति देने से कहीं अधिक यातनापूर्ण था। अब वह चाहती थी कि उसे निकाल दिया जाए। कई घंटों के बाद देवेश समुद्र तट पर रिकवरी पॉइंट पर पहुंचे और धैर्यपूर्वक उन्हें लेने के लिए रेड क्लाउड्स सेक्ट स्टीमशिप का इंतजार करने लगे। यहां कई लोग जमा थे और स्टीमशिप के आने का इंतजार कर रहे थे। जब पहली बार उनकी नजर स्टीमशिप पर पड़ी तो हर कोई जय जयकार करने लगा। जहाज के किनारे पर एक रेड क्लाउड्स सेक्ट कल्टीवेटर जहाज में उनके रास्ते को रोक रहा था। वह हर किसी की फसल का निरीक्षण कर रहा था और उसे हर किसी की टोकरियां हटाने का कर्तव्य दिया गया था, जबकि जिस किसी के पास 1.5 किलोग्राम से कम गहरा काला फल था उसे जहाज से बाहर फेंक दिया जाता था। जो लोग इतने दुर्भाग्यशाली थे कि उन्हें समुद्र में फेंक दिया गया, वे समुद्र में रहने वाले राक्षस जानवरों का भोजन बन जाएंगे। दर्जनों व्यक्तियों को, जिनमें से केवल 34 लोगों ने कार्य पूरा नहीं किया था, जहाज से बाहर फेंक दिया गया। जैसे ही वे खतरनाक समुद्र में गिरे, दयनीय चीखें सुनी जा सकती थीं। भयानक रूप से उनकी आवाजों का अंत राक्षस जानवरों के लिए भोजन का संकेत भी दे रहा था। देवेश बिना ध्यान दिए भीड़ में घुलमिल गया, क्योंकि ये सभी लोग सामान्य थे। जिन लोगों को प्रोफाउंड ब्लैक फ्रूट चुनने के लिए मजबूर किया गया, वे औसत लोग थे, रेड क्लाउड्स संप्रदाय के किसी भी शिष्य ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। आधे घंटे के बाद स्टीमशिप आखिरकार चल पड़ी और द्वीप से निकल गई, उन लोगों को पीछे छोड़ दिया जो इकट्ठा नहीं हुए थे और जो राक्षस जानवरों के लिए भोजन के रूप में काम करते थे। रेड क्लाउड्स संप्रदाय में लौटने से देवेश कुछ उदास हो गया। मूल रूप से उसने जहाज को चुराने और इस जगह से भागने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने की योजना बनाई थी, लेकिन मैडम से मिलने के बाद भागना एक ऐसी चीज थी जो वह नहीं करना चाहता था। चूंकि रेड क्लाउड संप्रदाय को कछुए के खोल का एक टुकड़ा प्राप्त हो गया था, इसलिए उसे कार्रवाई करने की आवश्यकता थी। यह सौभाग्य की बात थी कि दूसरा भाग, सबसे महत्वपूर्ण, उसकी पकड़ में था। चूंकि मैडम में इतना साहस था कि उसने अपने शरीर पर नक्शा अंकित कर लिया, इसलिए वह उसके प्रयासों को व्यर्थ नहीं जाने दे सकता था। कम से कम तब तो नहीं जब यह उसकी भी अंतिम इच्छा थी। यदि सब कुछ योजना के अनुसार हुआ तो रेड क्लाउड संप्रदाय 1 से 2 महीने के भीतर कार्रवाई करेगा, देवेश ने अनुमान लगाया। मूल रूप से मियाओ हुआ चेंग अपने बेटे के लिए रेड क्लाउड संप्रदाय को देने के लिए पूर्ण कछुआ शैल प्राप्त करना चाहता था। हालांकि उन्हें यह उपहार देने का एक और पहलू भी था, किसी अज्ञात क्षेत्र के खतरे। मियाओ हुआ चेंग ने रेड क्लाउड संप्रदाय का लाभ उठाने की आशा की ताकि उसे क्षेत्र का पता लगाने में मदद मिल सके, साथ ही साथ उसके बेटे को संप्रदाय के भीतर दर्जा हासिल करने की अनुमति मिल सके, लाभ प्राप्त करते हुए अपने लिए जोखिम को कम करना। मियाओ हुआ चेंग की योजनाओं के बावजूद देवेश द्वीप पर जाना चाहता था। द्वीप के अज्ञात रहस्य देवेश के लिए जोखिम के योग्य थे। अब एकमात्र मुद्दा रेड क्लाउड संप्रदाय के साथ यात्रा करते समय गुप्त रहने का अवसर प्राप्त करना है। चूंकि उनके पास पहले से ही नक्शा उनके हाथों में है, इसलिए अगर मैं उनके साथ रहता तो मुझे कुछ मौके प्राप्त करने का मौका कभी नहीं मिल पाता। उन्हें पूरे समय जहाज पर कई रातों के दौरान देवेश अक्सर जानकारी के लिए कुछ शिष्यों के साथ बातचीत करने के लिए घूमता रहता था। उन्हें पता चला कि एक बार जब संप्रदाय के उच्च स्तर के लोगों को नक्शा मिल गया तो उन्होंने तुरंत खोजबीन के लिए बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। दुर्भाग्य से सामान्य शिष्य इस विषय में पारंगत नहीं थे, उन्हें केवल उच्च अधिकारियों की बातें सुनने से ही संकेत मिलते थे। इस प्रकार वे विशिष्टताओं को लेकर बहुत स्पष्ट नहीं थे। जहाज पर कठिनाइयों को सहते हुए और मानचित्र पर गुप्त रूप से द्वीप का पता लगाने के अवसर के बारे में सोचने की कोशिश करते हुए सुबह अचानक रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की चिल्लाहट सुनी जा सकती थी। यह उन सामान्य लोगों को इकट्ठा होने का आदेश था। इस अजीब आदेश के सदमे से उनमें से कई लोगों के चेहरे पर घबराहट के भाव आ गए।
इस बीच लोगों की ओर से धीरे धीरे बड़बड़ाहट सुनाई दी, हम फिर से फल तोड़ने के लिए वापस क्यों जा रहे हैं? हम अभी कई दिन पहले वापस आए हैं। पहले हमारे पास उस फल को दोबारा चुनने के लिए मजबूर होने से कम एक महीने का समय होता था। सुनो, इस बार आप फल तोड़ने के लिए बाहर नहीं जा रहे हैं जैसा कि आप आमतौर पर करते हैं। आपस में बातचीत बंद करो और कोई सवाल मत पूछो। जब हम किनारे पर पहुंचेंगे तो तुम्हें बताएंगे। रेड क्लाउड संप्रदाय के एक शिष्य ने चेहरे पर सख्त भाव दिखाते हुए भीड़ को डांटा। जैसे ही देवेश ने यह खबर सुनी, उसका दिल तुरंत उछल पड़ा और उसने अचानक अपनी आंखें खोली। अच्छा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो यह एक अवसर है। हमेशा की तरह समुद्र तट पर पहुंचकर पहली चीज जो वे देख सकते थे वह थी एक विशाल, जिसे बहुत बड़ा कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी, 66.6 मीटर का जहाज गोदी में खड़ा था। इस जहाज में कुल 5 मस्तूल थे, जिनमें से प्रत्येक पर एक विशाल पाल लटका हुआ था जो हवा में लहरा रहा था, और चूंकि अपनी ताकत और प्रतिष्ठा दिखाने के लिए जहाज की कड़ी को ड्रैगन के सिर के साथ ऊंचा रखा गया था, इसने चारों ओर अपनी उपस्थिति का एहसास कराया। उन लोगों की भीड़ से सांसें छीन ली जो इतने बड़े जहाज के नीचे रहने में अनुभवहीन थे। हे भगवान, यह रेड क्लाउड संप्रदाय का सबसे बड़ा जहाज है। वे हमें कहां ले जाना चाहते हैं? एक आदमी जिसके पास उस जहाज को परखने की क्षमता थी, धीमी आवाज में फुसफुसाया। ऐसे जहाज को देखकर देवेश का अनुमान पुष्ट हो गया। जब वे खोज कर रहे थे तो उन्होंने रेड क्लाउड संप्रदाय में घुसपैठ करने का तरीका सोचने में अनगिनत घंटे बिताए थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके प्रयास व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हें यह अवसर थाली में सजाकर दे दिया था। रेड क्लाउड संप्रदाय सबसे अधिक संभावना है कि वह जगह का पता लगाने और खजाना खोजने के लिए इतने सामान्य लोगों को नहीं ला रहा है। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि जहाज को संचालित करने के लिए उन्हें जनशक्ति की आवश्यकता है। इतने विशाल जहाज को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निश्चित रूप से भारी मात्रा में जनशक्ति की आवश्यकता होगी। इस बिंदु पर विचार करने के बाद देवेश शांत हो गया। चूंकि यह एक रेड क्लाउड सेक्ट जहाज है जो एक अज्ञात क्षेत्र का पता लगाने के लिए जा रहा है, वहां निश्चित रूप से एक उच्च स्तरीय मार्शल कलाकार होगा, क्रू एलिमेंट बाउंड्री के स्तर से कम नहीं। वह अमर स्वर्ग तक भी पहुंच सकता है। देवेश एक क्रू एलिमेंट बाउंड्री मार्शल आर्टिस्ट के सामने छिप सकता था, लेकिन अगर एक इमोर्टल असेंशन कल्टीवेटर सामने आता तो वह आध्यात्मिक ज्ञान के साथ अपने साधना स्तर को आसानी से उजागर कर सकता था। इस प्रकार देवेश जानता था कि उसे सावधान रहना होगा, अपने कौशल का थोड़ा सा भी प्रदर्शन नहीं करना होगा, अन्यथा वह एक बेजान चित्रे जैसा बनकर रह जाएगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद रेड क्लाउड संप्रदाय के सदस्यों का एक समूह बाहर आया, और समूह को एक सीधी रेखा में चलने के लिए नेतृत्व करने वाले दो बूढ़े थे। बूढ़े पक्षी, एक पुरुष और एक महिला, मजे से बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन दोनों के सिर चांदी के बालों से क्षतिग्रस्त थे, लेकिन उनकी आंखों से निकलने वाली गरिमामयी चिंगारी के विपरीत वे जीवंत और जोश से भरे हुए थे। बिना किसी संदेह के इन दोनों को आसानी से रेड क्लाउड संप्रदाय के दो शीर्ष कृषकों में से एक माना जा सकता है। उनके पीछे दोनों लिंगों के रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों का एक समूह चल रहा था, गिनती में लगभग 50 सिर। उनकी उपस्थिति से पता चलता है कि वे संप्रदाय के भीतर विशिष्ट शिष्य थे। बड़े जहाज से एक अधेड़ उम्र का आदमी दोनों बुजुर्गों को सम्मान देने के लिए जल्दी से बाहर आया। नमस्कार मास्टर्स। जहाज पर मौजूद रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने भी इसका अनुसरण किया। बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरत दोनों ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया और वे शालीनता से कूदकर जहाज में तैरने लगे और पूछा, क्या सब कुछ तैयार हो गया है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, सब कुछ तैयार है। इससे पहले कि हम यात्रा पर निकलें, मुझे बस आपके आदेश की आवश्यकता है गुरु। इन बूढ़े ने सिर हिलाया और बोलते हुए एक हाथ से इशारा किया, आप व्यवस्था करना जारी रखेंगे। मास्टर लैन और मैं केबिन में रहेंगे, खेती पर ध्यान केंद्रित करेंगे। यदि कोई अत्यावश्यक मामला नहीं है जिसमें आपको हमें शामिल करने की आवश्यकता है तो हमें कॉल न करें। हाँ, जब दो इमोर्टल असेंशन कल्टीवेटर्स ने अपने केबिन में प्रवेश किया तो देवेश राहत महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। इसके लिए सभी व्यवस्थाएं करने का काम सौंपा गया है। उस मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को संप्रदाय के भीतर निम्न दर्जा नहीं होना चाहिए। आधे घंटे तक आदेश जारी करने के बाद आखिरकार जहाज चलना शुरू हुआ। जब वह धीरे धीरे चलना शुरू कर रहा था, देवेश डेक पर था, भेष बदलकर काम कर रहा था और वह उस दिशा को याद करने की कोशिश कर रहा था जिस दिशा में जहाज जा रहा था। यह विशाल जहाज पानी में चलने में सक्षम था और केवल 24 घंटों के भीतर इसने 500 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की बिना किसी जमीन के खुले समुद्र में प्रवेश किया। सूरज डूब गया और चंद्रमा चक्रों में उग आया और जल्द ही देवेश पिछले 3 दिनों से इस जहाज पर था, जितना संभव हो सके सावधानी से रह रहा था। इस बीच वह कभी कभी बोर्ड पर मार्शल कलाकारों के साथ बातचीत करने का अवसर लेता था और अपनी स्थिति के बारे में अधिक स्पष्टीकरण प्राप्त करता था। अब यह पुष्टि हो गई कि यह जहाज मानचित्र पर उस रहस्यमय द्वीप का पता लगाने के लिए था।
हिडन आइलैंड रेड क्लाउड संप्रदाय के सदस्य जब भी बोलते थे तो उस द्वीप का उल्लेख करते थे जिसने देवेश को सी सिटी से सुनी कई दिलचस्प कहानियों की याद दिला दी। हिडन आइलैंड में तरह तरह की अफवाहें थीं क्योंकि लोगों की नजरों में इसके बारे में मृगतृष्णाएं थीं। यहां तक किसी सिटी में भी कई निवासियों ने इस द्वीप की मृगतृष्णा का अनुभव किया था। हालांकि कोई नहीं जानता था कि यह मृगतृष्णा के रूप में अपने मूल स्थान से लाखों किलोमीटर दूर एक सुदूर स्थान पर क्यों दिखाई देता है, लेकिन इस बात पर व्यापक सहमति थी कि द्वीप समुद्र के बाहर मौजूद था, सिवाय इसके कि कोई भी इसे ढूंढने में सक्षम नहीं था। सी सिटी में कहा गया कि द्वीप को खोजने के लिए किसी सामान्य तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। एकमात्र संभावित तरीका उस स्थान के लिए सीधा मार्गदर्शक होना था। जिन लोगों ने इस क्षेत्र का पता लगाने की कोशिश की, उन्होंने उस स्थान के करीब जाने के लिए द्वीपों का अनुसरण किया, लेकिन फिर भी वे केवल करीब ही पहुंच पाए। इसे देख पाने में असमर्थ होने के कारण वे तट पर नहीं आ सके। इस प्रकार इसका नाम हिडन आइलैंड रखा गया। बड़ी संख्या में अफवाहें थीं जो संकेत देती थीं कि इस स्थान पर कभी न खत्म होने वाली संपत्ति के साथ साथ मार्शल कौशल और खेती की तकनीकें थीं जो निश्चित रूप से एक इंसान को छलांग और सीमा तक आगे बढ़ने की अनुमति देती हैं। सभी आम लोग हिडन आइलैंड में जाना चाहते थे, लेकिन ऐसा करने में असमर्थ होने के कारण कई लोगों ने ऐसा विचार छोड़ दिया था। लेकिन अब रेड क्लाउड संप्रदाय को अंततः वहां पैर रखने का अवसर मिल गया है। कोई संसाधन न छोड़ते हुए उन्होंने अपने विशिष्ट शिष्यों और दो अमर स्वर्गारोहण साधकों को भेजा। रेड क्लाउड संप्रदाय के लिए अपने चार अमर असेंशन कल्टीवेटरों में से दो का उपयोग करने के लिए द्वीप का पता लगाने और फसल काटने के लिए अपना स्पष्ट दृढ़ संकल्प दिखाया था। पिछले कुछ दिनों से देवेश के साथ जो बातचीत हुई उनमें से अधिकांश रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों की द्वीप के प्रति लालसापूर्ण इच्छाएं और वहां मिलने वाले अवसरों के बारे में उनकी कल्पनाएं थीं। देवेश के पास द्वीप के संबंध में भी प्रश्न थे और उसने बंद हो रहे पुराने दानव को जगाया। उन्हें पता चला कि हिडन आइलैंड संभवतः स्वर्ग की गुफा विरासत जैसी जगह नहीं है। इसके बजाय यह अधिक संभावना थी कि एक वरिष्ठ कृषक खेती करने के लिए इसका उपयोग करेगा। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचने की इच्छा से इस विशेषज्ञ ने कुछ प्रकार की संरचना बनाई जिससे द्वीप लोगों की नजरों से छिप गया। किसी भी स्थिति में उस स्थान के अस्तित्व में होने की अत्यधिक संभावना थी। शिष्यों के साथ बातचीत के माध्यम से देवेश को संप्रदाय के भीतर मजबूत साधकों की सभी ताकतें और नाम याद आ गए थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को यू शूपिंग कहा जाता था, जो वर्तमान में ट्रू एलिमेंट बाउंड्री 9वें चरण में रेड क्लाउड संप्रदाय का एक बुजुर्ग था। रेड क्लाउड संप्रदाय के उन शीर्ष कृषकों की ताकत की तुलना हाई हेवन पवेलियन से करते हुए देवेश ने कहा कि उनका संप्रदाय उनके संप्रदाय के बराबर होने में असमर्थ था। सबसे पहले किसी भी ट्रू एलिमेंट बाउंड्री कल्टीवेटर को हाई हेवन पवेलियन में बुजुर्ग नहीं माना जा सकता है। दूसरे, यदि वह रेड क्लाउड संप्रदाय के दो मास्टर्स की उम्र की तुलना हाई हेवन पवेलियन के अपने बुजुर्गों से करता तो यह स्पष्ट था कि उसके बुजुर्ग उन पुराने फाट्स की तुलना में बहुत छोटे थे, दिन जियाजी और हो जियांग लैंग। पहला अमर स्वर्गारोहण के पांचवें चरण में था और दूसरा चौथे चरण में था। दोनों संप्रदाय में प्राचीन काल के बुजुर्गों के पद पर थे और आमतौर पर संप्रदाय के आंतरिक क्षेत्रों के अंदर रहते थे। आखिरकार उनका एक पैर पहले से ही कब्र में था। यदि यह संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मामला नहीं होता तो वे कभी भी अपने संप्रदाय के बाहर प्रकट नहीं होते। आज देवेश चुपचाप डेक की सफाई कर रहा था कि अचानक उसे दो बातचीत की आवाजें सुनाई दीं। यान, क्या तुम मियाओ लिन के साथ नहीं गए हो? दो शब्द सुनकर मियाओ लिन देवेश के कान हिल गए क्योंकि उसे तुरंत मियाओ हुआंग चेंग के बेटे की याद आ गई जिसने मैडम को बर्बाद कर दिया था और जियांग परिवार पर विपत्ति लाया था। क्या ऐसा हो सकता है कि यह वही है? देवेश अब दृश्य पर ध्यान से ध्यान दे रहा था। अपना भेष बदलना न भूलते हुए भी उसके हाथ हिलना बंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी दृष्टि बातचीत के पक्ष में स्थिति का आकलन करते हुए गुप्त रूप से आगे पीछे हो रही थी। जहाज के उस तरफ एक खूबसूरत महिला थी जो लगभग 20 साल की लगती थी। उसने एक लंबी नीली पोशाक पहनी थी और शानदार समुद्री हवा के कारण पोशाक उसकी त्वचा पर चिपक गई जिससे उसका आकर्षक शरीर दिखाई दे रहा था। उसकी कमर पतली थी और दो लंबी और सुडौल चोटियों के साथ यह उसके सेक्सी फिगर को उजागर करता था। उसकी गोरी गेहूं जैसी त्वचा थी जो समुद्र के किनारे रहने वालों में आम नहीं थी। अपनी त्वचा के रंग और लंबे पतले और जेड जैसे पैरों के साथ वह लाखों लोगों का दिल चुरा सकती थी। दुर्भाग्य से उसकी सारी सुंदरता के बीच एक निर्विवाद अहंकार छिपा हुआ था जिसे केवल सर्वोत्तम चीजों से ही शांत किया जा सकता था। इस बीच उसके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, रेड क्लाउड संप्रदाय का बुजुर्ग यूक सिरुपिंग। तो यह उनकी बेटी होगी, यूएओएन। देवेश अब स्थिति को अच्छी तरह से समझ गया, विशेष रूप से यूएओएन के साथ। कई शिष्य गुप्त रूप से उसके बारे में चर्चा करते थे। हाई हेवन पवेलियन में सुयान की तरह यूएओएन वह महिला थी जिसकी रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों द्वारा प्रशंसा की गई थी। यू शिउपिंग को पूछते हुए सुनकर यूएओ किंग के चेहरे पर अधीरता का एक स्पर्श उभर आया। दांत पीसते हुए बोली, वह मुझसे चिपक नहीं रहा है। ओह, तुम्हें वह पसंद नहीं है? यू शिउपिंग ने चिढ़ाया।
आप क्या सोचते हैं? यू एओ किंग पीछे हट गया। अपना गुस्सा संभालो। इस मामले में हम केवल उन्हीं पर भरोसा कर सकते हैं। हालांकि मियाओ हुआ चेंग ने हमें एक नक्शा दिया है, लेकिन उन्होंने अपने शोध में बहुत प्रयास किया है और इसमें से कुछ भी हमें नहीं दिया है। उसने सब कुछ मियाओ लिन को सौंप दिया है, इसलिए यदि हम छिपे हुए द्वीप को ढूंढना चाहते हैं तो वह आवश्यक है। यू क्सिरुपिंग ने धीरे से यू एओ किंग को सांत्वना दी। यू एओ किंग ने कड़वाहट से अपना सिर हिलाया और यू क्सिरुपिंग की बाहें पकड़ ली। पिताजी, ऐसा नहीं है कि आप नहीं जानते कि वह किस तरह का व्यक्ति है। आज सुबह वह मेरे लिए अपने हाथ और पैर हिलाना चाहता था। यदि तुमने मुझसे दोबारा कहा होता तो मैं उसे समुद्र में दफना देता। यू क्सिरुपिंग को तुरंत अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। उसने तुम्हारे लिए अपने हाथ पैर चलाए। हाँ, यू एओ किंग को बहुत अन्याय महसूस हुआ। इस मामले से पहले उसने इस लड़के मियाओ लिन के बारे में कभी नहीं सुना था। हालांकि इस मामले के कारण उसने इस अनुग्रह के लिए उसके अनुरोध को कटुतापूर्वक पूरा किया था। हमेशा घमंड में रहने वाली लड़की के लिए यह यातना से कम नहीं था। मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। यू क्सिरुपिंग का चेहरा भद्दा हो गया। यू एओ किंग उनकी बेटी थी। वह स्वाभाविक रूप से उसे अपने खजाने के रूप में मानते थे और आशा करते थे कि वह जीवन भर की खुशी के लिए पुरुषों के बीच एक ड्रैगन से शादी कर सकती है। सबसे पहले मियाओ लिन के पास कोई पृष्ठभूमि नहीं थी, दूसरे कोई योग्यता नहीं थी और तीसरे कोई ताकत नहीं थी। पहले मौका मिलने पर वह अपनी बेटी के जूते भी नहीं ले जा पाते थे। हालांकि मियाओ लिन की जानकारी के लिए वह केवल अपनी बेटी की बलि दे सकता था। निश्चिंत रहें, एक बार जब मुझे द्वीप मिल जाएगा तो पिताजी व्यक्तिगत रूप से आपके लिए न्याय मांगेंगे, यू क्सिरुपिंग ने वादा किया था। मैं वास्तव में आशा करता हूं कि मैं जल्दी पहुंचूंगा। यू एओ किंग ने नफरत से अपने दांत पीस लिए। एक बार जब हम पहुंच जाएंगे तो मैं उसे समुद्र में दफना दूंगी। जब तक आप खुश हैं, यू क्सिरुपिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। उन्होंने चिंता का जरा भी संकेत नहीं दिया। यह ऐसा था मानो उसकी बेटी पशुओं को ठिकाने लगाने के बारे में बात कर रही हो। दुर्भाग्य से सी सिटी के मियाओ हुआ चेंग को इस दिशा में स्थिति विकसित होने की उम्मीद नहीं थी। जब उन्होंने मानचित्र पेश किया तो उनका एकमात्र उद्देश्य अपने बेटे के लिए एक उज्ज्वल भविष्य बनाना था। वह चाहते थे कि रेड क्लाउड संप्रदाय मियाओ लिन पर ध्यान दे। रेड क्लाउड संप्रदाय का ऊपरी प्रबंधन मियाओ हुआ चेंग के अनुरोध पर सहमत हो गया था, लेकिन वे चाहते थे कि मियाओ लिन खेती पर ध्यान केंद्रित करें। हालांकि वे नहीं चाहते थे कि मियाओ लिन कोई प्रयास न करें, इसलिए वे यू एओ किंग पर सब कुछ डालने का विचार लेकर आए। ये पूरी तरह से आग से खेलने और जल जाने का मामला था। उनकी बातचीत के बीच में यू क्सिरुपिंग ने अचानक उल्लेख किया, जब वह लड़का यहां आएगा तो तुम, यदि आप इसे और बर्दाश्त नहीं कर सकते तो बस थोड़ी देर के लिए उससे दूर रहें। आपको याद रखना चाहिए कि आप नखरे नहीं दिखा सकते। मुझे पता है। जैसे ही उसने गहरी सांस ली, यू एओ किंग की सुडौल छाती ऊपर नीचे हो गई। यू क्सिरुपिंग जल्दी से चला गया। एक क्षण के बाद लगभग 20 वर्ष का एक व्यक्ति डेक पर आया। चारों दिशाओं का सर्वेक्षण करते समय उनके चेहरे पर उम्मीद की झलक दिखाई दी। जब उसने जहाज के किनारे की ओर देखा और यू एओ किंग की पीठ देखी तो उसके चेहरे पर खुशी की एक झलक दिखाई दी जिसे वह छिपा नहीं सका। वह मियाओ लिन था। मियाओ लिन की शक्ल उसके दिल पर अंकित थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई संकेत नहीं था। जियांग परिवार की महिला अपमानित नहीं होना चाहती थी, इसलिए वह आत्महत्या करना पसंद करेगी। मियाओ लिन एक अनुकरणीय युवा व्यक्ति थे। उसके रंग में पीलापन और कुछ हिलते कदमों के अलावा बाकी सब कुछ औसत से ऊपर था। यदि आपने कहा कि वह एक मार्शल आर्टिस्ट था तो आप उसे मूर्ख बाका भी कह सकते हैं। आखिरकार सी सिटी में मियाओ परिवार के पास कुछ ताकत मानी जा सकती है। यह उसकी मौजमस्ती में उसका समर्थन करने के लिए पर्याप्त थी। जैसे ही वह यू एओ किंग के पास पहुंचा, उसकी आंखें स्पष्ट देखभाल से भर गईं, क्योंकि उसने धीरे और प्यार से उससे कहा, सीनियर सिस्टर किंग, डेक पर बहुत हवा चल रही है, ठंड लगने से सावधान रहें। भले ही यू एओ किंग को मौत से घृणा थी, फिर भी उसने कड़ी मुस्कान बिखेरी और जवाब दिया, इससे कोई नुकसान नहीं है, पानी की हवा अच्छी और साफ है, इससे लोगों की परेशानियां दूर हो जाती हैं। यू एओ किंग के शब्द बहुत सूक्ष्म थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मियाओ लिन को बिल्कुल भी समझ नहीं आया। वह सौम्य मुस्कान के साथ गर्मजोशी से बोले, ऐसा प्रतीत होता है कि सीनियर सिस्टर किंग का मूड ठीक नहीं है। क्या इसकी वजह कोई नाखुश बात है? आप प्रशिक्षु भाई को भी बता सकते हैं। मैं आपकी चिंताएं आपके साथ साझा करने को तैयार हूं। यू एओ किंग के सुंदर चेहरे पर छिपे हुए गुस्से की झलक दिखाई दी, लेकिन उसने फिर भी मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। देवेश, जो डेक के एक तरफ सफाई कर रहा था, ने जोड़े की बातचीत सुन ली। उन दोनों को, जो जहरीले सांपों के जोड़े की तरह थे, जोशपूर्ण बातचीत करते हुए सुनकर उसका दिल तुरंत मियाओ लिन को भी समुद्र में दफनाने के लिए उत्सुक हो गया। यू एओ किंग ने दो बार संकेत दिया था, लेकिन फिर भी उसने न समझने का नाटक किया। या तो उसने या तो उसकी बात सुनी ही नहीं।
हालांकि उसने उसका पीछा करने के लिए अपना चेहरा मोटा कर लिया था, इसलिए लोगों के लिए उसके प्रति सद्भावना रखना बहुत कठिन था। दोनों ने काफी देर तक बातचीत की और जब मियाओ लिन उत्साहित हो गए तो सी सिटी के मियाओ परिवार की प्रतिष्ठा का दिखावा करते हुए जहाज के नीचे से अचानक एक तेज पेंग ध्वनि आई और पूरे जहाज को हिलाकर रख दिया। नाव के किनारे खड़े दो लोग मियाओ लिन और यू एओ किंग का पैर अस्थिर हो गया और वे लगभग समुद्र में गिर गए। हालांकि भले ही आपने उन्हें कैसे भी आंका हो, दोनों अभी भी स्वाभाविक रूप से असाधारण सजगता और चपलता के साथ मार्शल कलाकार थे। आसानी से उन्होंने अपने शरीर को वापस सीधा कर लिया। यह अज्ञात था कि मियाओ लिन क्या सोच रही थी। शायद वह राजकुमारी को बचाने वाले नायक की भूमिका निभाना चाहता था, शायद वह अच्छा सौदा हासिल करना चाहता था। जैसे ही उसने अपना संतुलन संभाला, वह तुरंत चिल्लाया, सावधान रहें वरिष्ठ बहन। जब वह चिल्लाया गया तो उसका हाथ तेजी से गले लगाने के लिए यू एओ किंग की कमर पर पहुंच गया। यू एओ किंग एक घमंडी महिला थी जिसे मियाओ लिन के बोलने पर उबकाई महसूस होती थी। वह मियाओ लिन को अपने शरीर से चिपकाने के लिए कैसे खड़ी हो सकती थी। जैसे ही उसने अपना संतुलन वापस पाया, उसने तुरंत अपने शरीर को मियाओ लिन के आने वाले हाथ से दूर कर दिया। इतने कम समय में नाव अचानक फिर से खराब हो गई। यू एओ किंग, जो मूल रूप से अपने शरीर को मोड़ने के बीच में थी, अचानक पैर रखने की जगह नहीं पा सकी। वह कांटे की तरह निकल गई, उसका मुंह चौड़ा हो गया और उसने झटके से एक संक्षिप्त विस्मयादिबोधक जारी किया। फिर भी वह जिस दिशा में उड़ी वह वास्तव में देवेश की ओर थी। अच्छा शो देखते समय देवेश ने गंदे कपड़े पहने हुए थे और हाथ में बदबूदार और गंदी झाड़ू पकड़ रखी थी। अचानक वह इतने सदमे में आ गया कि कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं कर सका। वह कुछ समाचारों के लिए दोनों की बातचीत सुनने के लिए वहां खड़ा था, तो वह ऐसी नाटकीय स्थिति उत्पन्न होने की उम्मीद कैसे कर सकता था। यह देखकर कि यू एओ किंग अपने शरीर पर गिरने वाला था, ठीक इसी महत्वपूर्ण क्षण में देवेश ने फिसलने का नाटक किया और अपनी पीठ के बल गिरने का नाटक किया, साथ ही एक बड़ी दूरी भी खोली। लगभग उसी समय जब वह गिरा, यू एओ किंग उसके ऊपर से उड़ गया और जोर से डेक पर गिर गया। दुर्भाग्यवश उसके पास रखी गंदे पानी की बाल्टी उसके सिर पर गिर गई। एक ही पल में कई लोगों की इच्छा और प्रशंसा की वस्तु एक डूबा हुआ चिकन बन गया। उसके सारे कपड़े और बाल गीले हो गए। जैसे ही यू एओ किंग को गंदे पानी की गंध महसूस हुई जिससे वह भीग गई, उसे तुरंत उल्टी करने की इच्छा को दबाना पड़ा। देवेश भी सामान्य व्यक्ति की तरह प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जमीन पर पड़ा विलाप कर रहा था। यदि कोई सुंदर महिला उड़ रही हो, यदि आप एक सामान्य पुरुष होते तो आप स्वाभाविक रूप से उसे पकड़ लेते। आपको निश्चित रूप से उसे गिरने नहीं देना चाहिए। हालांकि यू एओ किंग एक वफादार लड़की नहीं थी और मियाओ लिन एक वफादार आदमी नहीं थी। देवेश को यकीन था कि अगर उसने अभी यू एओ किंग को पकड़ लिया तो उसे तुरंत पुरुष और महिला दोनों के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। यू एओ किंग इस बात से नाराज हो गई कि एक विनम्र नौकर ने उनके शरीर को छुआ। मियाओ लिन ईर्ष्यालु हो जाएगी और हत्या के इरादे से भर जाएगी। वह जानता था कि इसकी पूरी संभावना है कि वह कल सूरज नहीं देख पाएगा, इसलिए उससे बचना सही विकल्प था। जहाज अभी भी हिल रहा था। मियाओ लिन यू एओ किंग की तरफ दौड़ पड़े और आखिरकार उन्हें करीब आने का मौका मिल गया। उसने उसकी मदद की और चिंतित होकर पूछा, बड़ी बहन, क्या आप ठीक हैं? छुट्टी, यू एओ किंग इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। यदि इस उबकाई वाले आदमी ने उसे छूने की कोशिश नहीं की होती तो उसे इधर उधर कैसे फेंका जा सकता था या गंदे पानी में इस हद तक डुबोया जा सकता था कि उसके कपड़े अर्धपारदर्शी हो गए हों। उसका सारा चेहरा खराब हो गया था और अब उसके शरीर से दुर्गंध आ रही थी। इस समय यू एओ किंग पूरी तरह से हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी दहाड़ से मियाओ लिन आश्चर्यचकित हो गई और दो कदम पीछे हट गई। इस समय केबिन के नीचे से बहुत सारे मार्शल कलाकार आए। यू क्सियुपिंग प्रभावशाली ढंग से समुद्र के नीचे देखने के लिए डेक पर पहुंचे। उनका लुक तुरंत बदल गया। यह एक राक्षसी जानवर है। सभी शिष्य लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। अपनी आंखें उठाते हुए उसने अचानक यू एओ किंग को देखा। उसने चौंककर पुकारा, किंग एयर, क्या तुम्हें चोट लगी है? यू एओ किंग ने कसकर अपने दांत भींच लिए, मियाओ लिन को अत्यधिक नाराजगी का भाव दिखाया और फिर धीरे से अपना सिर हिलाया। वापस जाओ और आराम करो, तुम्हें इस स्थिति के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। यू क्सियुपिंग धीरे से दहाड़ने लगा। एन, बड़ी बहन, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मियाओ लिन स्वाभाविक रूप से अनुसरण करना चाहती थी। कोई जरूरत नहीं है, यू एओ किंग ने हर शब्द पर दहाड़ लगाई। उसका सुंदर लेकिन गंदा शरीर तुरंत डेक से गायब हो गया। नाव पर सवार विविध सामान्य व्यक्तियों को भी तेजी से निकाला गया। रेड क्लाउड संप्रदाय के मार्शल आर्टिस्ट, जिनका अपने जीवन और मृत्यु में कोई योगदान नहीं था, उनमें उग्रता की बहुतायत थी और भाग्य की कमी थी। जहाज के किनारों पर अचानक तेज लहरें आने लगीं। जहाज फिर से जोर जोर से हिलने लगा। देवेश तेजी से उठा और आम लोगों के पीछे पीछे जहाज के केबिन तक चला गया। हर कोई एक साथ इकट्ठा हुआ, कांप रहा था, बुदबुदा रहा था, प्रार्थना कर रहा था कि जहाज न डूबे।
यदि जहाज डूब गया तो यात्रा कर रहे दो स्वामियों के अलावा बाकी सभी लोग संभवतः समुद्र में खो जाएंगे। देवेश ने ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे शांत हो गया। उन्होंने पाया कि रेड क्लाउड संप्रदाय के दो गुरुओं को नहीं भेजा गया था। इसका मतलब यह था कि आने वाले राक्षस जानवर उच्च स्तर के नहीं थे और यू शियू पिंग उनसे निपटने के लिए पर्याप्त था। हालांकि इन राक्षस जानवरों की संख्या बहुत अधिक थी और हर तरफ से टकराने की आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे रुकने से पहले लड़ाई एक घंटे तक चली। हमलावर राक्षस जानवर या तो मर गए थे या खदेड़ दिए गए थे। अंततः परिवेश फिर से शांतिपूर्ण हो गया। रेड क्लाउड संप्रदाय की जीत ने आम लोगों को भी खुश कर दिया। ऐसा लगा मानो वे भी विजयी हो गए हों। देवेश ने अपनी आंखें खोली और केवल उदासी का एक विस्फोट महसूस किया। कुछ ही समय बाद रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों ने आम लोगों को जहाज की सफाई करने के लिए डेक पर जाने का निर्देश दिया। एक बार जब ये आम लोग आए और चारों ओर देखा तो वे तुरंत उत्तेजित हो गए। डेक पर हर जगह खून फैला हुआ था। वहां अजीब दिखने वाली मछलियां भी थीं जिनके मुंह नुकीले दांतों से भरे हुए थे। सौभाग्य से वे पूरी तरह से मर चुके थे। रेड क्लाउड संप्रदाय के शिष्यों में कोई हताहत नहीं हुआ। कमजोर खेती वाले केवल कुछ ही घायल हुए और यह कोई बड़ी बात नहीं थी। देवेश ने भीड़ के साथ डेक की सफाई की। खून, मरे हुए राक्षस जानवर और पसीना मिलकर बहुत दुर्गंध पैदा कर रहे थे। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वे पहले ही समुद्र के गहरे हिस्सों में पहुंच चुके थे। राक्षस जानवरों के पहले हमले के बाद राक्षस जानवर हर कुछ दिनों में हमला करते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया राक्षस जानवर और मजबूत होते गए। इन राक्षस जानवरों से निपटने के लिए कई विकलांग सामान्य लोगों को उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए निर्दयतापूर्वक चारे के रूप में समुद्र में गिरा दिया गया था। जैसे जैसे दिन बीतता गया यू शियू पिंग का चेहरा और अधिक गंभीर होता गया। मियाओ लिन भी बार बार डेक पर आने लगी। जब वे आगे बढ़ने के लिए अपने मार्ग पर शोध करने का प्रयास कर रहे थे तो दोनों को एक दैवीय कछुए के खोल का सामना करना पड़ा।